हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू फेंक भाला जहां तक जाए। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है और उसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए मेरे दोस्तों आज की क्लास रामबाण साबित होगी। आज की क्लास को सबसे बड़ी बात है कि छुट्टी के दिन मेरे दोस्तों मेरी टीम ने मेहनत करके तुम्हारे लिए टाइपिंग की है, साथ में कंटेंट तैयार किया और साथ में दोस्तों राजूरी टीम तुम्हारे लिए लाइव करा रही है। एक बार टीम के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। फिर आगाज करते हैं आज की क्लास का। लगभग 2 घंटे हम और आप साथ में रहने वाले हैं। त्योहार हमारा उसी दिन होगा जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले फूल पत्ती वाले परिवार का कोई त्योहार नहीं होगा, त्योहार केवल उसी दिन होगा। इस मंजिल को बड़ा गुरूर है दोस्तों अपनी ऊंचाइयों पर, इसकी अकड़ तोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। क्या इसकी अकड़ तोड़ के रहेंगे? मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या तेरी इतनी औकात नहीं? तो आइए मेरे साथ में मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। मैंने स्टैटिक जीके ज्यादा रखिए, सुन लीजिए मेरे दोस्तों, इसके 1-2 पार्ट और लेने पड़ेंगे अपन को, तब जाकर के ये ताबड़तोड़ जो सीरीज है वो समाप्त होगी। इसका पहला पार्ट मैं आपको आज करा रहा हूं, 1-2 दिन बाद एक पार्ट और करवा दूंगा। अब सुनिए, मैंने यहां पर स्टैटिक जीके ज्यादा रखी है दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो। करंट तो आप सुबह मेरे साथ पढ़ ही रहे हो, स्टैटिक यहां पर थोड़ी ज्यादा रखने का उद्देश्य है कि आपको एक जगह सारी जानकारी मिल जाए जो मैं सुबह अलग अलग करवाता हूं। तो आइए आरंभ करते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्या बिल्कुल मेरे साथ में माही, अजय, सीमा, संदीप, धमन, पंकज, राहुल सभी मेरे साथ में। आइए दोस्तों आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं। क्या मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। क्या मंजिल कह रही है तुमसे कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बदल जाऊं, तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। तो मंजिल से कह देना, क्या मंजिल से कह देना, अब की बार वक्त हमारा भी आएगा और नहीं आया तो घसीट कर लाएंगे। क्या अपनी मेहनत के बलबूते पर घसीट कर लाएंगे। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और इतिहास बदल के दिखाएंगे, इतिहास लिख के दिखाएंगे। बाधाएं है कौरव से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो, उठाओ गांडीव और अब की बार युद्ध के मैदान में अंत तक लड़ना। क्या अंत तक लड़ना, जीत हमारी ही होगी। चलिए मेरे दोस्तों आरंभ करते हैं 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, मैंने स्टैटिक ज्यादा रखी है और दोस्तों जिस प्रकार मेरी टीम से बन पड़ा, उसने टाइप कर दिया। बस आप टाइपिंग में कोई गलतियां मत निकालना, मैं आपको सारी बातें लिख दूंगा यहां पर और थोड़ा जल्दी करूंगा। क्या थोड़ा जल्दी करूंगा दोस्तों, अगले 2 घंटे में कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल तुम्हारी उंगलियों पर नागिन डांस करेंगे। चलिए 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप बार बार पूछा गया सवाल है। पहली बात तो ये वर्ल्ड कप कहां पर हुआ दोस्तों? तो ये वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड और वेल्स के अंदर। कहां? इंग्लैंड और वेल्स के अंदर। जीता किसने? तो जीता मेरे दोस्तों इंग्लैंड ने। किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक रन किसने बनाए थे? रोहित शर्मा ने बनाए 648 रन। लेकिन दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? वो है केन विलियमसन। कौन? केन विलियमसन। टोटल 10 टीमों ने भागीदारी की। कितनी टोटल दोस्तों टीम जो थी वो थी 10। और नोट कर लेना 2023 का वर्ल्ड कप कहां पर होगा? ये होने वाला है भारत के अंदर। कहां पर होगा? भारत के अंदर 2023 का वर्ल्ड कप होगा। भारत में दोस्तों 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक तो 1983
थ्री में, एक मेरे दोस्तों 2011 में। इस समय कपिल देव थे, इस समय मेरे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। और ध्यान रखना, इंग्लैंड ने किसको हराया, तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया। लिख लीजिए यहां पर दोस्तों, किसको हराया था, यह हराया था न्यूजीलैंड। किसको हराया, न्यूजीलैंड को हराया। ये आईसीसी जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय नोट कर लो, दुबई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में ग्रेग बर्कले इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष है। क्या, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। और मुख्यालय कहां पर है, दुबई के अंदर है, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, छाप के रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख अम्ल, तुम आज मेरी मेहनत देखना, तुम आज मेरी टीम की मेहनत देखना, हर किसी चीज को अलग अलग करके तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। जो भी चाहता है मेरा भाई 2021 में अपनी मां का सपना पूरा करना, वो इस क्लास को आग की तरह फैला दो। मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा दोस्तों, हो सके तो तुम क्या करना, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में लिख लेना, वैसे तो मैं सारी बातें याद करा ही दूंगा। क्या, याद करा दूंगा, बुलवा के बिहारी लाल की जय। आइए, प्रमुख अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दोस्तों लैक्ट जहां पर भी दिख जाए मतलब क्या होगा, मतलब होगा दूध। एसिटिक अम्ल अगर आपसे पूछ ले, सिरका जो है मेरे दोस्तों, ये देखिए हर पेपर में मिल जाएगा तुमको। एसिटिक अम्ल का मतलब है सिरका, इसे विनेगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विनेगर भी कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर के बीजों में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। मैलिक अम्ल दोस्तों, एप्पल के अंदर जो है ये होता है मैलिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, नींबू के अंदर होता है मेरे दोस्तों साइट्रिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, लाल चींटी में होता है कौन सा, लाल चींटी में होता है फार्मिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक, अरे तुम्हारे पेट में कौन सा अम्ल है, तुम्हारे पेट में है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक। लिख लो रसगुल्लो, पेट में कौन सा अम्ल है, पेट में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कुछ लोग चेक कर रहे होंगे, अरे रसगुल्लो चेक मत करो, सच में पेट में है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, H2SO4 लिख लो, गंधक का अम्ल भी कहते हैं। क्या, गंधक का तेजाब भी कहते हैं मेरे दोस्तों, और छाप के रखना, अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्ल राज भी कहते हैं किसको, H2SO4। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको नोट करो, क्या इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो मेरे दोस्तों बार बार जो पेपर में आया है वो आया है एसिटिक अम्ल। कौन सा, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो नोट है ना, ये सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद है, ध्यान रखना। एक्वारेजिया आपसे पूछे दोस्तों, तो एक्वारेजिया में एक तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है दोस्तों, एक होता है नाइट्रिक अम्ल और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक क्या होता है मेरे दोस्तों, एक तो होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सारे पॉइंट याद कर लोगे, सभी याद करने हैं, मेरा उद्देश्य यह है कि एक साथ तुमको नोट करा दूं। क्या, एक साथ नोट करा दूं। अगला क्वेश्चन देखना, एसिड और बेस। दोस्तों मैंने कहा था ना आपको कि अनीला को किससे प्यार हो गया, झालानी से प्यार हो गया। अम्ल जो है, ध्यान रखना, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। क्या, नीले को लाल कौन करता है, नीले को लाल करता है अम्ल। और दोस्तों जो छार है ये लाल को नीला करता है। क्या, छार करता है लाल को नीला। तो अनीला को प्यार हुआ झालानी से और टावर हो गया लवण। क्या हुआ दोस्तों, टावर हो गया लवण। कौन हो गया, टावर हो गया रसगुल्लो लवण। अगर तुमसे एक सवाल और पूछ ले, क्या एक सवाल और पूछ ले कि जो लिटमस पत्र है वो किसका बना होता है, तो लिख लेना भाई साहब, जो लिटमस पत्र है, यहां पर लिख देता हूं लिटमस पत्र, ऊपर लिखता हूं सबसे ऊपर, लिटमस जो पत्र है ये बना होता है लाइकेन। किसका बना होता है, लाइकेन। और लाइकेन किसका पहला पहला प्यार है, अरे रसगुल्लो कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार। लिखिए, लाइकेन जो है ये किसका, ये कवक और शैवाल
शैवाल का पहला पहला प्यार होता है लाइकेन, और लिटमस पत्र जो है वो बना होता है लाइकेन का। 50 बार पूछ लिया एग्जाम में इस क्वेश्चन को, और नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट करो दोस्तों, कि जो लाइकेन है वायु प्रदूषण को नापने में इसका काम आता है। किसको? वायु प्रदूषण जो है इसको नापने में इसका यूज करते हैं। एक नंबर का सवाल है तुम्हारे सामने, हर चीज तुम्हारे सामने लिखी है, इससे बाहर मुझे उम्मीद नहीं है कि पेपर में कोई सवाल पूछ लेगा। यही वो सवाल है जो तुमसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन की गति के नियम, तीन नियम है न्यूटन की गति के। पहला नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। किसका? जड़त्व का नियम। मैंने खुद करंट अफेयर्स बहुत कम रखी है, उद्देश्य साफ है कि जब तक स्टैटिक की कमर नहीं तोड़ेंगे तब तक करंट कोई काम की नहीं। पहले स्टैटिक की कमर तोड़ ले, करंट को तो सुबह नागिन डांस करवा ही रहे हैं। तो बताइए कैसा प्लान है मेरे दोस्तों, हमें अंततः अपनी मां बाप का सपना पूरा करना है, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है दोस्तों, एक ही लक्ष्य है सन 2021 में अपने मां बाप का सपना पूरा करना और मुझे रसगुल्ला खिलाना। और यह सपना पूरा होगा अब की बार दोस्तों, हम मिलकर करेंगे। क्या? मिलकर करेंगे। न्यूटन की गति के तीन नियम है, पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा है दोस्तों संवेग का नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीनों ध्यान रखना, तीन नियम है न्यूटन की गति के। आपसे पूछता है इनके एग्जाम्पल बताओ। क्या? एग्जाम्पल बताओ। तो जड़त्व का जो नियम है, लॉ ऑफ इनर्सिया, कोई चीज स्थिर है स्थिर ही रहेगी, और कोई गतिशील है गतिशील रहेगी। जैसे याद करो, अरे बस के रुकने पर मैंने आपसे कहा था ना, जैसे ही बस रुकेगी मेरे दोस्तों आपकी नजरें किसी और की तरफ है। क्या? हाँ, आपकी जो नजरें है मेरे दोस्तों वो किसी और की तरफ है, आपको पता ही नहीं कि बस की ब्रेक लगने वाली है। आप तो भाई साहब हीरो स्टाइल में खड़े। क्या? एकदम हीरो स्टाइल में। जैसे ही बस रुकी आप सीधा कांच से बाहर। क्या? सीधा कांच के बाहर। मतलब बस के रुकने पर जब आप आगे की तरफ गिरते हो दोस्तों, तो ये क्या होता है? ये है मेरे लाडलो जड़त्व का नियम। क्या? जड़त्व का नियम। अगर आपसे पूछ ले संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तो मेरे लाडलो जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है, क्या जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है ना, तो देखना वो अपने हाथ बॉल के साथ पीछे ले जाता है। क्या? बॉल के साथ पीछे लेता है। कई ऐसे डोपा होते हैं भाई साहब जो सीधा ऐसे कैच लेते हैं, फिर कैच टपक जाता है। क्या? टपक जाता है। तो लिख लो संवेग का जो नियम है, कैच लेते समय हाथ को पीछे करना। क्या? कैच लेते समय हाथ को पीछे ले जाना, ये मेरे दोस्तों क्या है? इसका एग्जाम्पल। और क्रिया प्रतिक्रिया, जब बंदूक से गोली चलाते हो मेरे दोस्तों, तो बंदूक गोली आगे जाती है, बंदूक से आपका हाथ पीछे जाता है, इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। तो लिख लो मेरे दोस्तों, बंदूक से गोली चलाने पर एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, वो क्या है रसगुल्लो? वो है मेरे दोस्तों जब रॉकेट ऊपर जाता है तो पहले नीचे बल लगाता है। क्या? नीचे बल लगाता है फिर ऊपर जाता है, इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ध्यान रखना, रॉकेट का दोस्तों प्रक्षेपण जो है ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। इन में से देखना, सीधा सवाल पूछता है मेरे दोस्तों, बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना जड़त्व का नियम है। अगर पूछता है रॉकेट का प्रक्षेपण, ध्यान रखना ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। क्या है दोस्तों? ये जो बल का मात्रक है वो है रसगुल्लो न्यूटन। क्या है? न्यूटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला, ये बड़ा तंग करती है, पेपर में देखना टपक
सप्ताह क्वेश्चन, उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है, लिंडमान का नियम क्या है, आइए पोस्टमार्टम करते हैं। क्या देखिए, अगर तुमसे पूछ ले ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। कौन है? सूर्य। सूर्य से ऊर्जा किसके पास आती है दोस्तों? सबसे पहले आती है किसके पास? पेड़ पौधों के पास। तो मेरे रसगुल्लों, सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा पहुंची पेड़ पौधों के पास। तो अगर आपसे पूछे सूर्य ऊर्जा का सोर्स क्या है, वो हो गया सूर्य। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे उत्पादक कौन है, ये उत्पादक है मेरे दोस्तों। आगे ऊर्जा कौन देगा, ये वाला देने वाला है। तो लिख लेना, अगर पूछे आपसे उत्पादक कौन होता है, ये होते हैं पेड़ पौधे। लिख लेना मेरे दोस्तों, पेड़ पौधे उत्पादक होते किसके अंदर? एक खाद्य श्रृंखला के अंदर। फिर इसके बाद में ऊर्जा इन पेड़ पौधों को किसने खाया मेरे दोस्तों? इनको खाया शाकाहारी जानवर ने। किसने? शाकाहारी जो जानवर है मेरे दोस्तों, इसने खा लिया किसको? पेड़ पौधों को खा लिया। और शाकाहारी जानवर को किसने खाया? इसको खाया मांसाहारी जानवर ने। किसने दोस्तों? जो मांसाहारी है उसने खाया, और इंसान इन दोनों को खा गया। क्या? बिल्कुल, इंसान जो है ना वो इन दोनों को निपटा गया। तो ध्यान रखना, नैनो से वार चलाना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्या? बिल्कुल सही बात है। जब आप नैनो से दोस्तों बात क्या करते हो, बातें करते हो, फिर जो थप्पड़ पड़ता है ना कान के नीचे, यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर तुमसे पूछ ले ये उपभोक्ता कौन सा है, प्राथमिक उपभोक्ता। सीधा पेपर में पूछता है मेरे दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? ये होगा शाकाहारी। कौन होगा? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा? ये होगा मेरे दोस्तों मांसाहारी। इन दोनों को कौन खाएगा? वो है सर्वाहारी। जैसे कौन है? जैसे मनुष्य। कौन है मेरे दोस्तों? मनुष्य है सर्वाहारी। ये होती है खाद्य श्रृंखला। लेकिन एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऊर्जा का जो फ्लो होता है ये किस नियम से होता है, लिख लो लिंडेमान का नियम। यही तो पेपर में छपता है, लिखना दोस्तों लिंडेमान का नियम। अगर आपसे पूछ ले लिंडेमान का नियम क्या है, तो मेरे दोस्तों ऊर्जा का जो फ्लो है, एनर्जी का जो फ्लो है, ये होता है लिंडेमान के नियम से। मतलब कि यहां से जो यहां एनर्जी जाएगी वो केवल और केवल 10% होगी, 90% दोस्तों ये अपने पास रख लेगा। तो ध्यान रखना, यहां से यहां पर ऊर्जा 10%, आगे जब जाएगी मेरे दोस्तों तो इसका भी 10% ही जाएगी। तो ऊर्जा का जो फ्लो है वो अगले स्तर में 10% होता है। यही तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिंडेमान का नियम। तो ध्यान रखना, ऊर्जा का जो फ्लो है वो 10% होता है, और हमेशा एक ही दिशा में होता है। ध्यान रखना, कभी भी दोस्तों ऐसा थोड़ी होगा कि ये शाकाहारी इस मांसाहारी को खा जाएगा, फिर ये शाकाहारी कैसा। तो ध्यान रखना, ऊर्जा का फ्लो 10% होगा और एक ही दिशा में होगा। छापना, एक ही दिशा में होता है। तो लिख लेना, एक ही दिशा में होता है। ये खाद्य श्रृंखला है, ऊर्जा का प्रभाव है। सर ये हमको समझ नहीं आया। रसगुल्ला, माय डियर रसगुल्ला, कितना आसान सा खेल है। देख एक बार फिर, उत्पादक कौन होगा? पेड़ पौधे उत्पादक होंगे। जो इसको खाएगा वो दोस्तों शाकाहारी होगा, यही तो उपभोक्ता पहला होगा। फिर जो इसको खाएगा वो दूसरा उपभोक्ता होगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होगा, 10% के नियम से होगा, और ये नियम किसका है? ये लिंडेमान ने दिया, इसलिए इसे लिंडेमान का नियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस, मैं कह रहा हूं आपसे, जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा ना, पहली बात तो सामने आएगा ही नहीं। क्या आएगा? नहीं, गलती से आ गया तो तुम उसका भोकाल मचा देना भाई साहब, गर्दा उड़ा देना। क्या कितने रसगुल्ले साथ में? एक बार देखिए, तुम्हारी मेहनत है मेरे दोस्तों। तुम जब इतना विश्वास मुझ पे करते हो ना, मेरी टीम पे करते हो, तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। क्या ज्यादा बढ़ती है? मैं चाहता तो आराम से मकर संक्रांति बनाता,
क्या उखाड़ लेता, ये बताओ मेरे दोस्तों। जब तक तुम सफल नहीं हो जाओगे तो मेरे लिए कोई त्योहार हो ही नहीं सकता। तो आइए, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बात तो कब बनाते हैं, 5 जून को बनाते हैं। दूसरी बात क्यों बनाते हैं, तो 5 जून 1972 मेरे दोस्तों एक संस्था की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। कहां पर होती है, नैरोबी केन्या के अंदर। कहां पर, नैरोबी केन्या के अंदर। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में बनाया गया, अमेरिका ने इसकी अध्यक्षता की थी। सन 2018 में दोस्तों इंडिया ने अध्यक्षता की थी और इसकी थीम लिख लो, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। स्टार लगा लेना, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, ये इसकी थीम थी। और पूछे सन 2019 में ये चाइना ने की रसगुल्लो और इसकी थीम थी वायु प्रदूषण को हराना। किसको, वायु प्रदूषण को हराना, ये इसकी थीम थी। और सन 2020 में नोट कर लेना, सन 2020 में इसकी जो अध्यक्षता है वो की है कोलंबिया ने। किसने की है, कोलंबिया ने। और रसगुल्लो अगर पूछे इस बार की थीम क्या है, तो लिख लो सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। क्या, सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। क्या, इट्स टाइम टू नेचर, ये इस बार की क्या है दोस्तों, ये इस बार की थीम है। कोई सी भी पूछ सकता है पेपर में, क्या कोई सी भी पूछ सकता है मेरे दोस्तों। पहला 2018, 2019 और 2020 सब की सब तुम्हारे सामने है, छाप के रखना। अच्छा क्वेश्चन है, क्या अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देखो, महत्वपूर्ण अधिनियम। मैंने सारी दोस्तों सारा पेपर तुम्हारा देख लिया, मैंने जो पढ़ाया वो सब कुछ देख लिया, फिर मुझे लगा कि तुमको एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से रिवाइज करवा दूं, इसीलिए इसका नाम है ताबड़तोड़ रिवीजन। आइए, महत्वपूर्ण अधिनियम, राइट टू एजुकेशन। अरे रसगुल्ला, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम था सन 2009। कब, 2009 का। राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का जो अधिकार है, ये अधिनियम था 2005। तारीख कितनी है, 12 अक्टूबर 2005। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अधिनियम। और इसी के द्वारा मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था, 1973 में चला। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम है, लेकिन इसमें संशोधन हो गया है, 2019 का अधिनियम बन चुका है। लेकिन लागू कब से हुआ है, 20 जुलाई 2020 से। कब से, 20 जुलाई 2020 से। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा, लिख लेना टपकेगा। क्या टपकेगा दोस्तों, कोई ना कोई अधिनियम, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, करंट का है, कुछ नहीं पता, इतना पता है बस मुझे कि पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला है। तो ध्यान रखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 का अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू होता है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1988 में। अधिनियम कब का है, अधिनियम है 1992। गलती मत करना, सेबी की स्थापना पूछे 1988 में, सेबी के बारे में पूछे दोस्तों, अधिनियम 1992 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर है। ये किसको कंट्रोल करता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, लिख लेना अजय त्यागी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये महत्वपूर्ण अधिनियम है, छाप के रख लो, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सर अधिनियम कब का है, अधिनियम 1992 का है, स्थापना 1988 में होती है। कब, 1988, अधिनियम 1992 का है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर तुम्हें लगे पेपर में छपेगा तो मेरे साथ में रहो, अगर तुम संघर्ष कर सकते हो तो मेरे साथ में रहो, इसके अलावा मत आओ। क्या मत आओ, अगर संघर्ष कर सको,
पसीना टपका सको तो मेरी जान मेरे साथ में रुक जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हें अलग करके छोड़ूंगा, सबसे भीड़ में सबसे आगे ले जाकर छोड़ूंगा। कौन कहता है इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के ले लो, इसमें से क्वेश्चन जरूर टपकेगा। चलिए आगे कहते हैं, दाल बाटी चूरमा खाओगे क्या, सुदर्शन चक्र खाएगा क्या, चुपचाप पढ़ ले क्या, चुपचाप। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर पूछे कमीशन कौन सा है, यंग हिल्टन कमीशन, कौन सा, यंग हिल्टन आयोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, अधिनियम कौन सा है, 1934 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, तो लिख लेना ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन, पहले दोस्तों गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे, कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय नोट कर लो, सीडी देशमुख, क्या, सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में 25वें नंबर के हैं मेरे दोस्तों, वो है आपके शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। कितने दोस्तों डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो नोट करना मेरे दोस्तों, उर्जित पटेल 24 में गवर्नर थे, उनकी एक पुस्तक पेपर में छपती और उसका नाम है ओवरड्राफ्ट। लिखो इसको, ये लिखना मेरे दोस्तों, ओवरड्राफ्ट जो पुस्तक है ये किसकी है, ओवरड्राफ्ट पुस्तक है उर्जित पटेल, किसकी है, उर्जित पटेल। और रसगुल्लो ये 24वें नंबर के गवर्नर थे, कौन थे, 24वें नंबर के गवर्नर। आने दो पेपर में, आरबीआई का मुख्यालय लिख लेना मुंबई के अंदर है, कहां पर है, मुंबई के अंदर आरबीआई का मुख्यालय, सीधा पेपर में छपने वाला है। याद रखना मेरी बात को, क्या याद रखना, ये जो तुम मकर संक्रांति के दिन पढ़ रहे हो ना दोस्तों, एक तो पहले क्या है, सबसे पहली बात तो एक तो त्योहार है, दूसरा त्योहार के दिन तुम पढ़ रहे हो, और तीसरा पॉइंट पता है क्या है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि तुम अपने परिवार के साथ में पढ़ रहे हो, तो आनंद लो परिवार के साथ में, मजा आने वाला है, क्या मजा आने वाला है। तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध सब पढ़ाने वाला हूं, क्या सब पढ़ाऊंगा, पेपर में आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आरबीआई के बाद स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ लोग होंगे जिनसे मेहनत नहीं होगी, सोचेंगे सब सर कब स्क्रीनशॉट लेने की कहोगे, ले लो भाई, ले ले मेरे रसगुल्ला, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विटामिन, हाय दैया विटामिन आ गया भाई साहब, सीधा एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या सीधा लिखना, जो विटामिन खाएगा वो एक नंबर पाएगा, क्या एक नंबर पाएगा, जो भी विटामिन खाएगा वो एक नंबर पाएगा। विटामिन ए की बात करूं तो नोट कर लो, रेटिनॉल, क्या है, रेटिनॉल इसका नाम है, रोग होता है इससे रंतोधि, और संबंधित किससे, आंखों से संबंधित है, किससे, आंखों से संबंधित है। विटामिन बी थाइमीन मेरे दोस्तों इसका नाम है, और रोग होता है बेरी बेरी, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 12 अति महत्वपूर्ण है, सीधा पूछता है पेपर में, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट, कौन सी होती है, ये क्या हो गया भाई साहब, विटामिन बी 12 में होती है कोबाल्ट धातु, और पूछ ले आपसे इसका नाम क्या है, साइनो कोबोलिन नाम है, क्या है, साइनो कोवोलिन जो है ये इसका नाम है, विटामिन बी 12 सीधा पेपर में पूछता है। किसी को भी ना पढ़ो, अगर एक पढ़ना हो ना विटामिन बी 12 पढ़ लेना, साइनो कोवोलिन कोबाल्ट धातु होती है विटामिन बी 12 में। विटामिन सी की बात करूं, एस्कॉर्बिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल, रोग कौन सा है, रोग है दोस्तों स्कर्वी रोग, कौन सा रोग है, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आते हैं, क्या मसूड़ों से खून आते हैं मेरे दोस्तों, और इसे ही कहते हैं नाविक
रोग, क्या बोलते हैं? नाभिक रोग भी कहते हैं। विटामिन डी रसगुल्लो नोट करना, कैल्सीफेरोल, क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं कैल्सीफेरोल। और मेरे दोस्तों इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई, इसको कहते हैं टोकोफेरोल, क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल कहते हैं दोस्तों विटामिन ई को। और लिख लेना विटामिन जो ई है ना, इनफर्टिलिटी, क्या? इनफर्टिलिटी, बांझपन जो है ये विटामिन ई से संबंधित है। कौन है? इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन। अब तुम कहोगे सर कौन कौन से याद करें, तो रसगुल्ला छाप के रखना, विटामिन सी तो रट के जाना है। क्या विटामिन सी? तुमको पता है विटामिन सी होता है मिर्च के अंदर, क्या? हाँ, तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें, क्या हम क्या करें, हम तो फूल पत्ती में पड़ रहे थे, क्या पड़ रहे थे, तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें। तो दोस्तों विटामिन सी जो है, विटामिन सी ये होता है दोस्तों मिर्च के अंदर। किसके अंदर होता है? मिर्च के अंदर। एस्कोर्बिक अम्ल ध्यान रखना, और रसगुल्लो ये स्कर्वी रोग ध्यान रखना। एक तो विटामिन सी, एक विटामिन बी 12, कतई जहर क्वेश्चन है विटामिन बी 12। एक पूछता है सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, क्या? विटामिन डी, लिख लो। सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन डी। एक पूछता है गोल्डन राइस में कौन सा होता है, क्या? गोल्डन राइस में, तो गोल्डन राइस में लिख लेना सुनहरा जो चावल होता है इसमें विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए। विटामिन की अगर बात करूं तो होपकिंस और दोस्तों पंग ध्यान रख लोगे, दो नाम ध्यान रखना, होपकिंस और फंक जो है इनका संबंध है विटामिन से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? अरे जो मिर्च में होगा वो दूध में कैसे होगा, क्या? दूध में कैसे होगा? तो विटामिन सी जो है ना वो दोस्तों दूध जो है उसमें विटामिन सी नहीं होता। लिख लो, दूध में विटामिन सी नहीं होता। ये है विटामिन का पोस्टमार्टम। जो विटामिन पड़ेगा वो एक नंबर पाएगा, क्या? जो भी विटामिन पड़ेगा वो एक नंबर पाने वाला है। फिर सुनिएगा मेरी बात को, विटामिन ए रेटिनोल रंतोदी रोग, छाप के रखना भाई साहब। विटामिन बी 1 बेरी बेरी, विटामिन बी 12 कोबाल्ट धातु साइनोकोबोलिन, विटामिन सी एस्कोर्बिक अम्ल दोस्तों, विटामिन डी कैल्सीफेरोल रिकेट्स, और विटामिन ई टोकोफेरोल और बांझपन। चार पांच क्वेश्चन अलग से ध्यान रख लो, जैसे दूध में विटामिन सी नहीं होता, सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है, मिर्च में कौन सा विटामिन सी होता है दोस्तों, गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। चलिए आगे। अरे दो विटामिन है जो पानी में घुलते हैं, गई भैंस पानी में, क्या? गई भैंस पानी में, लिख लो इसको। इसको कहां लिखोगे? चलो यहां लिख देते हैं दोस्तों, गई भैंस पानी में, क्या? गई भैंस पानी में। तो भैंस से क्या बना? भैंस से बना विटामिन बी और सी। सीधा पूछता है कौन सा विटामिन पानी में घुलता है? विटामिन बी घुलता है और विटामिन सी घुलता है। कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोस्तों किसमें घुलते हैं? ये पानी के अंदर खुलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की बैठक है, संविधान सभा के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। विश्व का सबसे खूबसूरत दस्तावेज भारत का संविधान। आइए बात करते हैं 22 जुलाई, मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये क्लास मैं आपको कोई टॉपिक समझाने के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये बताने के लिए पढ़ा रहा हूं कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ने, क्या कौन से पढ़ने दोस्तों। समय देखिए, आप सोच कर देखिए, अगर मैं त्योहार के दिन तुम्हारे 2 घंटे ले रहा हूं, मतलब मेरे दोस्तों इस 2 घंटे के लिए मैंने 12 घंटे मेहनत की होगी, क्या? सभी सवाल, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सभी को आज समेट कर लाया हूं, क्या? तुम तो बस साथ देना। और देखिए मेहनत कर रहा हूं मेरे दोस्तों, तो सभी साथियों तक
पहुंचा देना, जो जरूरतमंद है उस तक मेरी क्लास पहुंचनी चाहिए, यह अपने परिवार का धर्म है। आइए बात करें, यह क्वेश्चन देखिए सीधा आता है पेपर में, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो अपनाया गया, पहली बार कब गाया गया? इस पर देखो मैंने लगाया है स्टार, फूल पत्ती, पहली बार कब गाया? तो राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया 1896 में, और राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहां से सवाल पूछ सकता है? अरे इसको पूछ लेगा कब गाया पहली बार, या फिर खूब उछल कूद करेगा ना, तो ये पूछ लेगा कब अपनाया गया। इन दोनों के अलावा औकात नहीं है पूछने की। फिर देखिए, पहली बार विचार कब आया? नोट कीजिए, पहली बार जो विचार था वो रखा था मानवेंद्र नाथ रॉय। किसने? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। पहली बैठक दोस्तों ये होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में अस्थाई सदस्य नियुक्त किया गया। क्या? अस्थाई सदस्य नियुक्त किया गया, और उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे? वो थे मेरे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को होती है, और इसी में प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया रसगुल्लो? 13 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की बैठक, संविधान सभा संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बार बार पेपर में घूमता है। सबसे अधिक कौन सा घूमता है? तो लिख लेना, सबसे अधिक घूमता है दोस्तों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया, और पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पेपर में घूमते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नागरिकता, दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागरिकता के बारे में, सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो भाग दो के अंदर है। किसमें? भाग दो में। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कैसी है दोस्तों? एक ही नागरिकता है। मतलब कि राजस्थान की कोई अलग नागरिकता थोड़ी है, एक ही नागरिकता है दोस्तों भारत की। फिर देखिए, नागरिकता की बात करूं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में आया। इसमें संशोधन हाल ही में हुआ है, CAA 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम। कौन से देश? तीनों का बाप कौन है? तीनों का बाप है भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन तीनों देशों के जो निवासी है उनको भारत में नागरिकता के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आता है, 10 जनवरी 2020 से इसे लागू कर दिया गया। कब से? 10 जनवरी 2020 से। तो ध्यान रखना, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। तो नागरिकता से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु संयंत्र, लिख लो टपकेगा। क्या? हां भाई साहब, ये परमाणु संयंत्र टपकेगा। एनटीपीसी वालों, तुम तो छाप के रखना। क्या? छाप के रखना पटवार, एनटीपीसी, परमाणु संयंत्र। पहला क्वेश्चन,
पहला रिसर्च रिएक्टर कहां पर स्थापित किया गया, लिख लो भाई साहब, यह किया गया था अप्सरा। कहां पर? अप्सरा। और यह अप्सरा जो था इसको ट्रांबे महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया। कहां? ट्रांबे महाराष्ट्र। तो भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर कहां स्थापित होता है? यह होता है अप्सरा रिएक्टर ट्रांबे के अंदर महाराष्ट्र में। ट्रांबे ही क्यों? देखिए ट्रांबे में ही BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च रिएक्ट जो सेंटर है उसका सेंटर कहां पर है? ट्रांबे के अंदर। इसे भी नोट करो दोस्तों, जो BARC है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यह भी कहां स्थापित है? यह भी ट्रांबे के अंदर ही स्थापित है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर है तारापुर। केगा मेरे दोस्तों कर्नाटक, कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरा पार मेरे दोस्तों ये स्थित है कहां पर? गुजरात के अंदर। कहां? गुजरात में स्थित है। कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों की दोनों तमिलनाडु के अंदर है। कहां है? तमिलनाडु। कुडनकुलम नवीनतम है दोस्तों। क्या लेटेस्ट कौन सा है? कुडनकुलम है। और छाप के रखना, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा ना दोस्तों, तब तुम मुझसे कहोगे कि सर हमने जो मेहनत की थी ना वो साकार हो गई। क्या वो साकार हो गई? माँ बाप का सपना पूरा होगा। अब उनकी आंखों में भी क्या होंगे दोस्तों? खुशी के आंसू होंगे। क्या? खुशी के आंसू होंगे। और मैं चाहता हूं वो आंसू सन 2021 में मेरे दोस्तों आने चाहिए। क्या आने चाहिए? परीक्षा को लगना चाहिए कि जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्या? टक्कर का होना चाहिए। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु संयंत्र सभी ध्यान रखना, जितने भी तुम्हारे सामने लिखे गए हैं। आगे देखिए, जादूगुड़ा एक स्थान है दोस्तों इंडिया के अंदर। जादूगुड़ा झारखंड के अंदर है, यूरेनियम के लिए दोस्तों फेमस है। किसके लिए? यूरेनियम। तो लिख लो जादूगुड़ा मेरे दोस्तों यूरेनियम। यूरेनियम कहां मिलता है? जादूगुड़ा में मिलता है। और यह कहां पर है? झारखंड के अंदर है। मांडिया कर्नाटक के अंदर है दोस्तों मांडिया। और यहां पर मिले किसके? लिथियम के भंडार मिले। किसके? लिथियम के भंडार। सबसे हल्की धातु कौन सी है? वो है लिथियम। कौन सी? लिथियम जो है माय डियर रसगुल्ला लिख लेना, सबसे हल्की धातु है लिथियम। और सबसे भारी कौन सी है? वो है ओस्मियम। कौन है? ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। दोनों क्वेश्चन अलग से छाप लो। फिर देखो कोलार की खान से निकलता है क्या? सोना। KFG याद है? कोलार फील्ड दोस्तों KFG। तो लिख लो कोलार की खान से निकलता है सोना। क्या? सोना। और ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। थोरियम के भंडार कहां पर है? लिख लेना भाई साहब, थोरियम के भंडार मोनोजाइट मिट्टी के अंदर है। किसमें? मोनोजाइट मिट्टी। और ये मिट्टी कहां मिलती है? केरल के अंदर मिलती है ये मिट्टी। गोलकुंडा अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले गोलकुंडा जो है दोस्तों, यहां पर कोहिनूर हीरा मिला। कौन सा? कोहिनूर जो हीरा है ये मिलता है कहां पर? गोलकुंडा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां? आंध्र प्रदेश के अंदर। पन्ना मेरे दोस्तों ये भी हीरे के लिए फेमस है और ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर कह रहा हूं तुम सबसे, क्या फिर तुमसे कह रहा हूं, देखिए पढ़ना हो जहां पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा पढ़ना, 5 बार पढ़ना इस वीडियो को, 10 बार पढ़ना। क्या? 1 बार पढ़ के मत छोड़ देना, ये तुम वादा करो मुझसे इसको 5-10 बार। अगर मुझे इस वीडियो को बनाने में 12 घंटे लगे हैं तो तुम्हें भी 12 घंटे इस वीडियो को पढ़ना है। वादा करके जाना मेरे दोस्तों मेरे साथ, जब मैं क्लास समाप्त करूं ना तो मैंने अगर 12 घंटे लगाए हैं तुमको भी 12 घंटे लगाने हैं। आराम आराम से
तीन चार पांच बार पढ़ो, क्या दो तीन चार पांच बार पढ़ो, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, क्या तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में टपक जाए, टपकेगा नहीं टपकेगा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, अगर इसमें से आया और तुमने गलत कर दिया तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, क्या घसीट कर मारूंगा मेरे दोस्तों, पानी में डुबा डुबा के मारूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य लिख लो, क्या लिख लो, ये तुम्हारा कर्तव्य है छापना, क्या है छापना। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं थे, छाप के रखना, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976, समिति कौन सी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है। कितने जोड़े गए थे मेरे दोस्तों, लिख लो, 10 जोड़े गए, कितने, 10 जोड़े गए थे, और किस देश से लिए थे, लिख लेना, रूस से लिए, किससे मेरे दोस्तों, रूस से लिए गए हैं, कौन, मौलिक कर्तव्य, किस भाग में जोड़े गए, तो भाग नंबर 4A, अनुच्छेद पूछ ले, अनुच्छेद नंबर 51A, कौन सा, 51A, भाग नंबर 4A, टोटल 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। और रसगुल्लो एक अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया, लिख लो, 11वां मौलिक कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2002, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों। नंबर था कौन सा, के नंबर था, के का मतलब हो गया नॉलेज, क्या हो गया, नॉलेज, मतलब इसका संबंध शिक्षा से, किससे, शिक्षा से, और मैं तो पहले ही कह चुका हूं कहीं पर भी शिक्षा आ जाए 86वां संविधान संशोधन लगा देना, क्या कहीं पर भी शिक्षा आ जाए दोस्तों 86वां संविधान संशोधन लगा देना। दो क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस किस देश से लिए थे, रूस से लिए थे, और दूसरा क्वेश्चन 11वां मौलिक कर्तव्य ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। आगे देखिएगा अगला, लोह इस्पात संयंत्र, क्या लोह इस्पात संयंत्र, हाँ 42वां लिखा है, 46वां लिख दिया, 42वां सही लिखा है मेरे दोस्तों। देखिए लोह इस्पात संयंत्र, इसको स्टार लगाओ, क्या स्टार लगाओ, देखिए मैंने तुमको अलग अलग, आप सोच के देखोगे कि जब मैंने आपको पढ़ाए ना ये सब, इतनी सारी चीजें पढ़ा दूंगा अगले दो घंटे के अंदर मेरे दोस्तों, 9 बजे तक मैं एक क्लास लेने वाला हूं ना, फिर राजूरी टीम को घर जाना है, 9 बजे तक लूंगा, 9 बजे तक जितना हो जाएगा ना उतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। फिर कह रहा हूं तुम सपोर्ट करोगे मेरा तो मैं अधिक पढ़ा पाऊंगा और अगली क्लास में कुछ और नई चीजें जोड़ पाऊंगा। चलिए मेरे दोस्तों देखिए लोह इस्पात संयंत्र मेरे दोस्तों झारखंड में, अगर आपसे पूछ ले कहां पर, झारखंड के अंदर, तो लोह इस्पात संयंत्र है बोकारो लोह इस्पात संयंत्र, किसके सहयोग से, रूस की सहायता से बनाया गया बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के अंदर। यही दोस्तों अगर आपसे पूछे ओडिशा के अंदर कौन सा है, तो ओडिशा के अंदर लिख लेना राउरकेला, कौन सा है राउरकेला, और यह किसकी सहायता से, यह बनाया गया है दोस्तों जर्मनी की सहायता से। इसी के पास में पश्चिम बंगाल में अगर आपसे पूछ ले कहां पर, पश्चिम बंगाल में, तो लिख लेना पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुरा लोह इस्पात संयंत्र, और ये मेरे दोस्तों इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया है। एक मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना, झारखंड में पूछे बोकारो, पश्चिम बंगाल में पूछे दुर्गापुरा, ओडिशा में पूछे राउरकेला, और छत्तीसगढ़ में पूछे, क्या छत्तीसगढ़ में पूछे मेरे दोस्तों, तो लिख
लिख लेना, भिलाई लोह इस्पात संयंत्र। और जो भिलाई है ये मेरे रसगुल्लो रूस की सहायता से बनाया गया है। यही तो चार क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, मैं तुम्हें एक कदम आगे लेकर चलूं। क्या एक कदम आगे लेकर चलूं? और वो कौन सा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसमें से कौन सा लोह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ? तो लिख लो मेरे दोस्तों, ये याद रखना कि जो ये झारखंड बोकारो है ना, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बाकी सब जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सब की सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में थे। बोकारो, झारखंड, रूस, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। बाकी सब मेरे रसगुल्लों किसके अंदर है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कोई दिक्कत है नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था, राउरकेला कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? तो मेरे दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया। बोकारो अगर पूछ ले तो बोकारो कौन सी में है? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बाकी सब किसमें? बाकी सब मेरे दोस्तों ध्यान रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वित्त आयोग लिखिएगा, वित्त आयोग की बात करो, अनुच्छेद नंबर 280 कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 280, पहला वित्त आयोग के सी नियोगी की अध्यक्षता में। किसके? के सी नियोगी की अध्यक्षता में। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है वित्त आयोग की। कितने वर्ष के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए करता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लिख लो, वाई वी रेड्डी। कौन थे? वाई वी रेड्डी, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो फाइनेंशियल कमीशन जो है अनुच्छेद नंबर 280, क्या अनुच्छेद नंबर 280 फाइनेंशियल कमीशन। दूसरा रसगुल्लो, पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में। राष्ट्रपति करता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अगर पूछ ले 15वां कौन सा? एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग। एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं और वो है 14वां वित्त आयोग वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग जो केवल सोचने का काम करता है, और मेरे दोस्तों ये नीति आयोग तो केवल इसलिए बनाया है तुम्हारे पेपर में टपक सके। क्या तुम्हारे पेपर में टपक सके? नीति आयोग 1 जनवरी 2015, कब? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना एक आदेश के द्वारा की गई। लिख लो इस क्वेश्चन को, नीति आयोग की जो स्थापना है ये एक आदेश के द्वारा की गई। मतलब नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही दोस्तों विधिक संस्था है। दोनों की क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। नीति आयोग ना तो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही मेरे दोस्तों ये एक विधिक लीगल बॉडी है। क्या? लीगल बॉडी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों सीईओ कौन है? ये है अमिताभ कांत। क्या? अमिताभ जो कांत है ये इसके सीईओ है। तो नीति आयोग के बारे में सीधा क्वेश्चन है, इसी में से बार बार देखना, पेपर में आएगा दोस्तों। 1 जनवरी 2015 सबसे अधिक क्वेश्चन नीति आयोग का जो आता है ना वो ये वाला आता है कि नीति आयोग कैसी संस्था है। तो ना तो संवैधानिक है ना ही विधिक है, केवल एक आदेश के द्वारा इसको बनाया गया। किसके स्थान पर आई है? योजना आयोग के स्थान पर आया है। किसके? योजना आयोग के स्थान पर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। माय डियर रसगुल्ला देख लो, फिर तुम्हारे सामने है मेरे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे,
तुम चाहो तो कहीं पर भी पढ़ लेना इनको, लेकिन मैं तुम्हें एक साथ याद कराने की गारंटी देता हूं। क्या गारंटी का माल है, क्या एकदम गारंटी का माल है। आइए, इंपोर्टेंट कल्चर, एपिकल्चर लिख लो, मधुमक्खी कीट पालन, क्या मधुमक्खी जो पालन है यह है एपिकल्चर। सेरिकल्चर दोस्तों, हाँ सेरिकल्चर क्या है ये लिख लो, रेशम कीट पालन, क्या रेशम कीट पालन। वर्मी कल्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैचुआ पालन, क्या है दोस्तों कैचुआ पालन है वर्मी कल्चर, और कैचुआ को बोलते हैं किसान का दोस्त। क्या दोस्तों, किसान का जिगरी यार कौन है, किसान का जिगरी यार है वो है मेरे लाडलो कौन, कैचुआ। अगला क्वेश्चन, वीटी कल्चर, अंगूर की खेती, किसकी अंगूर की खेती है वीटी कल्चर, स्टार लगा लो। ओलेरी कल्चर सब्जी दोस्तों, किसकी है सब्जी, और पीसी कल्चर मधुमक्खी की दोस्तों, मछली पालन जो है ये होता है कहां पर, पीसी कल्चर में। और हॉर्टिकल्चर लिख लेना बागवानी, क्या बागवानी जो है मेरे दोस्तों ये होती है कहां पर, हॉर्टिकल्चर के अंदर होती है बागवानी। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण, फिर कह रहा हूं क्या ये कौन से पेपर में आएंगे। तुम अगर कोई पेपर देते हो जिसमें तुम्हारे माँ बाप का सपना है ना, उन सभी पेपर में आएंगे। इससे बड़ी बात क्या कहूं मेरे दोस्तों, इतने बड़े मंच पर आपके सामने कह रहा हूं, इतने सारे रसगुल्लों के सामने कह रहा हूं, तो सोचिए मेरा कितनी, मेरी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोस्तों। मैं क्यों तुम्हें वो पढ़ाऊं जो पेपर में आता ही नहीं है, क्या ज्ञान थोड़ी देना है तुम्हें दोस्तों, सिलेक्शन लेना है, क्या सिलेक्शन लेना है, और हम सिलेक्शन लेकर छोड़ेंगे, बाबा लाएंगे क्रांति। नोट कर लो, स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट वाले भाई बहन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए दोस्तों, तराइन का युद्ध, अब देखो तराइन का युद्ध कैसे याद करते हैं, क्या कैसे याद करते हैं तराइन का युद्ध, और अगर मजा आए ना तो भाई साहब सभी को शेयर कर देना। तराइन का युद्ध रसगुल्लो, अगर तुमसे पूछे तराइन का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ, तो देखना एक लाइन याद कर लो, क्या एक लाइन याद कर लो, जो तारा है, मान लेते दास दोस्तों कोई भी तारा है, मतलब कोई भी समझ जाओ आप तारा है, तारा जो है ना भाई साहब लिख लो, तारा जो है मेरे लाडलो नोट करना, तारा अगर पूछ ले आपसे क्या है तो ट्रिक याद कर लेना इसकी, इसकी जो ट्रिक है मेरे दोस्तों छापिएगा, तारा पृथ्वी से, क्या तारा जो है वो पृथ्वी से गोरी दिखाई देती है, क्या बोलो बाके बिहारी लाल की जय, तारा पृथ्वी से गोरी दिखाई देती है। अब आने दो पेपर में भाई साहब, तारा पृथ्वी से गोरी दिखाई देती है, छापो इसको, क्या इसको छाप लो, स्टार लगा लो, क्या हाँ कुछ लोगों को मजा आ गया होगा, क्या मजा आ गया होगा, तारा पृथ्वी से गोरी दिखाई देती है, समझ जाओ तारा का मतलब हो गया तराइन का युद्ध, किसका हो गया तराइन का युद्ध। पृथ्वी का मतलब हो गया पृथ्वीराज चौहान, कौन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, और गोरी का मतलब हो गया मोहम्मद गोरी, कौन है मोहम्मद गोरी। तो तराइन का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया, कौन सा तराइन का युद्ध। अब पूछोगे पहला कब लड़ा, अरे मेरा रसगुल्ला देखो पहला लड़ेगा किसमें 1191 में, दूसरा कब लड़ा, दूसरा लड़ेगा मेरे दोस्तों 1192 में। तो तराइन का युद्ध जो है ध्यान रखना, पहला दोस्तों 1191 में और दूसरा 1192 में। तीसरा कब लड़ा, तीसरा तेरे मेरे बीच में होगा, क्या तीसरा तेरे मेरे बीच में होगा, कान के नीचे मारूंगा, तराइन के दो ही युद्ध हुए, क्या दो ही युद्ध हुए हैं तराइन के। तो तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया, लेकिन रसगुल्लो एक गलती कर दी, वो थी मोहम्मद गोरी को वापस जाने देने, क्या मोहम्मद गोरी को
क्षमा करने की जो गलती थी ना, वो एक साल बाद भुगती किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया। क्या? तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया। तो लिख लेना, अगर पूछे तराइन का पहला युद्ध मेरे दोस्तों, तो छाप लो तारा पृथ्वी से गोरी दिखाई देती है। ये दो याद कर लो, क्या दो याद कर लेना तराइन के युद्ध। आगे हुआ हो तो तुम कर लेना, क्या तुम कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख झील कैस्पियन जो है, लिख लो सबसे, दोस्तों लिखना सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, वो है आपके सुपीरियर। और मिशिगन पूछ ले आपसे, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? वो है मिशिगन। और शिकागो में ही 1893 में मेरे दोस्तों किसने भाषण दिया था? 1893 में स्वामी विवेकानंद। क्या? स्वामी विवेकानंद। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। क्या? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ध्यान रखना, शिकागो 1893, स्वामी विवेकानंद। क्या? स्वामी विवेकानंद। बेकाले स्वामी विवेकानंद नहीं, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कौन सा? रामकृष्ण मिशन। बेकाले झील सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील है मेरे दोस्तों बेकाले झील। विक्टोरिया भूमध्य सागर, भूमध्य जो रेखा है, भूमध्य रेखा किस झील के बीचों बीच से निकलती है? लिख लेना, वो है विक्टोरिया झील। कहां पर स्थित है? अफ्रीका के अंदर स्थित है। और बूलर झील मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, बूलर झील। लोनार कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और सभी जानते होंगे लोनार दोस्तों रंग बदलती है, कौन? लोनार जो है वो रंग बदलती है। लिख लेना, लोनार महाराष्ट्र में है और उल्का पिंड के गिरने से बनी है। किससे? उल्का पिंड के गिरने से बनी है। और सामर जो है ये लिख लो राजस्थान के अंदर है। क्या? राजस्थान में है। और राजस्थान वालों लिख लेना, राजस्थान की जान है। क्या? राजस्थान की जान है मेरे दोस्तों सामर झील, राजस्थान की जान। जयपुर, अजमेर और नागौर, इन तीनों में स्थित है कौन? सामर झील। अभी यहां पर बोटुलिज्म बीमारी से दोस्तों, बोटुलिज्म बीमारी से प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। क्या? प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई बोटुलिज्म बीमारी से। अब इसमें से कोई ना कोई झील पेपर में आएगी, तुम दौड़ा दौड़ा के मार देना। सबसे अधिक संभावना पूछोगे तो लिख लो भाई साहब कैस्पियन सागर, सीधा पेपर में आता है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। दूसरा मेरे दोस्तों सुपीरियर झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है मिशिगन। शिकागो इसके किनारे है और 1893 में स्वामी विवेकानंद ने यहां पर भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन, बेकाले सबसे गहरी झील है, विक्टोरिया भूमध्य रेखा और के भूमध्य रेखा बीचों बीच से निकलती है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सामर झील राजस्थान में। क्या? राजस्थान के अंदर है। बेकाले झील कहां पर है? लिख लो साइबेरिया के अंदर है। कहां पर? लिख लेना बेकाले झील जो है ये साइबेरिया के अंदर, रूस साइबेरिया। कहां पर है? रूस साइबेरिया के अंदर है बेकाले झील। सर तीसरा युद्ध भी हुआ था। अरे होने दो, क्या होने दो, तुम तो दो युद्ध याद कर लेना। क्या? दो युद्ध याद कर लेना, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा। तीसरा हुआ था, हो जाने दो भाई साहब, हिस्ट्री में याद करना। कहां पर? इतिहास में याद करना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है, रक्त। क्या? रक्त मेरे दोस्तों, इसको छापिए आप। रक्त क्या है? मैं हर बार एक ही शब्द लिखाता हूं, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। दोस्तों ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा है? यह है ब्लड। सीधा पेपर में पूछता है कि ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो रक्त है मेरे दोस्तों इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 इसका पीएच मान होता है। कितना? 7.4। अगर पूछ ले रक्त
रक्त का जो प्रेशर है उसको मापने के लिए किसका उपयोग होता है, लिख लो स्फिग्नोमीटर। किसका? स्फिग्नोमीटर है दोस्तों, रक्त का जो दाब है, रक्त का जो दाब है इसको मापने में इसका उपयोग करते हैं। ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप किसने दिए मेरे दोस्तों, लिख लो कार्ल लैंडस्टीनर। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की संकल्पना दी। और अगर आपसे पूछ ले सबसे दोस्तों सर्वग्राही, जो सभी को सर्वदाता और सर्वग्राही, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सर एनटीपीसी में आया था एक क्वेश्चन, रसगुल्लो मैं फिर कह रहा हूं यही तो वो सवाल है जो बार बार टपकते हैं, कहां पर एग्जाम के अंदर टपकते रहते हैं। क्या टपकते रहते हैं? इसलिए निश्चिंत होकर 2 घंटे मेरे साथ रुको। क्या निश्चिंत होकर 2 घंटे मेरे साथ में रुक लो, इतना आपसे वादा कर रहा हूं कि इस 2 घंटे में मैं तुम्हें 12 घंटे की चीजें पढ़ा दूंगा। क्या इतना वादा है तुमसे, बस 2 घंटे मेरे साथ रुको। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। क्या? गांडीव लेकर टूट पड़ो। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं ना तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, मुझसे दुगनी मेहनत करना। क्या? दुगनी मेहनत करना। उस पड़ोसी को उसकी औकात याद दिलानी है जिसने तुमसे कहा था तुझसे ना हो पाएगा। क्या? तुझसे ना हो पाएगा। अब देखना शेर झपट्टा मारेगा। क्या? शेर झपट्टा मारेगा दोस्तों। सब अगर आपसे पूछे सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सभी को दे सकता है, डोनर। क्या? डोनर मेरे दोस्तों, तो छाप लेना ओ माइनस। कौन सा है? ओ माइनस। और सर्वग्राही कौन सा है? एक्सेप्टर। क्या है दोस्तों? सर्वग्राही पूछ ले आपसे, एक्सेप्टर पूछे, ये लिख लो ए बी प्लस। कौन सा है? ए बी प्लस। दोनों इंपोर्टेंट है, सर्वदाता ओ माइनस, सर्वग्राही ए बी प्लस। कौन सा है? ए बी प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है दोस्तों। बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ। कहां पर? लुम्बिनी के अंदर जन्म हुआ। पहला उपदेश स्टार लगाओ सारनाथ में दिया। कहां दिया? सारनाथ में। और इसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन इसको हम कहते हैं। तो पहला उपदेश कहां पर दिया गया? सारनाथ में दिया गया। धम्म चक्र प्रवर्तन इसको कहते हैं। निधन कहां पर हुआ दोस्तों? इनका जो निधन है, छापना मेरे रसगुल्लो, ये हुआ कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में निधन हुआ। इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो मेरे रसगुल्लो अगर आपसे पूछ ले पहले उपदेश को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन, और निधन इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तुमसे पेपर में पूछेगा धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे, तो लिख लेना सारनाथ उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन बौद्ध संगति, ये देखिए सीधा पेपर में आता है दोस्तों। पहली बौद्ध संगति राजगृह बिहार में होती है, अजातशत्रु के समय होती है। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में होती है, कालाशोक के समय। तीसरी पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के समय। और जो पेपर में आती है, लिखो पेपर में आने वाली बौद्ध संगति मेरे दोस्तों, ये होती है कहां पर? ये है चौथी बौद्ध संगति, कश्मीर के कुंडल वन में होती है। कहां पर? कश्मीर के कुंडल वन में, कनिष्क के समय होती है। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मेरे दोस्तों, कौन अध्यक्ष? लिखना वसुदेव जो है, ये वसुमित्र जो है मेरे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और पूछे उपाध्यक्ष कौन थे, तो लिख लो अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मेरे रसगुल्लो वसुमित्र है, और उपाध्यक्ष कौन है? वो है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। सारी बातें ध्यान रखना, ओ के अंदर भी पूछता है। अरे रसगुल्लो पेपर बनाने वाला होशियार हो गया क्या? होशियार हो गया। वो केवल ओ नहीं, वो ऑप्शन देता है, ऑप्शन नंबर 1 देगा मेरे दोस्तों ओ प्लस, 1 देगा ओ माइनस, 1 देगा मेरे दोस्तों ए बी प्लस, 1 देगा ए बी माइनस। अब तुम्हारी भैंस, तुम्हारी जो भैंस है ना मेरे दोस्तों, वो जाएगी पानी में। क्या? भैंस जाएगी तुम्हारी पानी में। तुम सोचोगे
यार ये तो पढ़ लिया था कि सर्वदाता ओ था, कौन ओ था, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि ओ प्लस था या माइनस था। फिर पता है तुम क्या करोगे, फिर करोगे तुम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, और तुक्का सही लग गया। क्या भाई साहब सही तुक्का लग गया, 80 90 पूरे 100, क्या 80 90 पूरे 100, ये तो चलो तुक्का सही लग गया, लेकिन भाई साहब इससे बढ़िया है ढंग से याद कर लो। क्या, अरे मेरा रसगुल्ला ढंग से याद कर ले तो ओ माइनस सर्वदाता है, ए बी प्लस मेरे दोस्तों ये सर्वग्राही है। चलिए बौद्ध धर्म के बाद में चलते हैं कांग्रेस के ऊपर। आइए भाई साहब कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ लेते हैं। क्या अधिवेशन, देखिए कांग्रेस की स्थापना ए ओ हुम ने की, किसने, ए ओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना की, और इसका जो पहली बैठक है इसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद बनर्जी। कौन, व्योमेश चंद बनर्जी, और ये कहां होता है, बॉम्बे के अंदर मेरे दोस्तों ये सम्मेलन होता है। तो कांग्रेस का, कांग्रेस जो है ना भाई साहब ये व्योमेश चंद बनर्जी बॉम्बे में होता है। तीसरा जो अधिवेशन है क्यों इंपॉर्टेंट है, लिख लो, तीसरा अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मद्रास में हुआ था और इसमें अध्यक्षता किसने की, बद्रुद्दीन तैयब जी। किसने, बद्रुद्दीन तैयब जी जो है मेरे दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1907 लिखना, 1907 सूरत अधिवेशन, कौन कौन किस किस को याद है कि सूरत में दोस्तों, क्या सूरत में ब्रेकअप हुआ था नरम दल और गरम दल। क्या, नरम दल और गरम दल जो है मेरे दोस्तों इसका जो ब्रेकअप है, नरम दल एंड गरम दल इसका ब्रेकअप किस में हुआ, सूरत के अंदर हुआ। कहां पर, सूरत के अंदर नरम दल और गरम दल का ब्रेकअप हुआ। 1916 लिख लेना, 1916 में जो ब्रेकअप हुआ था ना उसका वापस क्या हो गया, वापस पेचअप हो गया। तो लखनऊ अधिवेशन, क्या लखनऊ अधिवेशन मेरे दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार, कौन, अंबिका चरण मजमूदार, और रसगुल्लो छाप के रखना इसमें नरम दल और गरम दल ये वापस से क्या हो गया, इनके मध्य वापस से दोस्तों पेचअप हो गया, वापस से एक हो गए। 1924 गांधी जी, किसने, गांधी जी ने मेरे दोस्तों पहली बार अध्यक्षता कब की, 1924 लिख लो, गांधी जी ने एक मात्र बार अध्यक्षता 1924 बेलगाम कर्नाटक के अंदर की थी। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा के छाप लेना, कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने दोस्तों 1924 बेलगाम कर्नाटक में की थी। चलिए 1925 इसमें मेरे दोस्तों कौन, सरोजनी नायडू, किसने की थी, सरोजनी नायडू ने की, और यह कानपुर के अंदर हुआ। कहां पर, कानपुर में। 1929 लाहौर अधिवेशन, लाहौर में झंडा किसने फहराया, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। 1931 दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मेरे रसगुल्लो 1934 का अधिवेशन कराची में हुआ। कहां पर, कराची में। महात्मा गांधी को कहां पर काले झंडे दिखाए गए थे, कराची में 1931 में दिखाए गए। और 1938 हरिपुरा अधिवेशन, कौन सा, हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, कौन, सुभाष चंद्र बोस। यही वो अधिवेशन है जो बार बार पूछता है पेपर के अंदर। फिर आप कहोगे इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है, तो मेरे दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जो बार बार पेपर में आता है, एक तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है और एक 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा, लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में होती है, लाहौर अधिवेशन में होती है पूर्ण स्वराज की मांग। किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग।
मजा आएगा सारा पेपर को दौड़ाने में क्या? बिल्कुल मेरे दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है क्या, बहुत कुछ बाकी है तुम सभी के लिए। मोतीलाल नेहरू, अरे जवाहरलाल नेहरू क्या, हाँ मोतीलाल नेहरू के रसगुल्ले का नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। IMF अगर तुमसे पूछे इनका मुख्यालय कहां पर है और इनके अध्यक्ष कौन कौन है। देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय है Washington DC। कहां पर है? Washington DC। और IMF के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। नोट करना, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा जो है ये IMF की अध्यक्ष है। अगर तुमसे पूछे वर्ल्ड बैंक रसगुल्लो, इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस। अगला क्वेश्चन, UNO अगर तुमसे पूछ ले क्या, तुमसे पूछ ले UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। अगला क्वेश्चन 193 इसमें मेंबर है। अगला, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका के अंदर। महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेस। कौन है? एंटोनिया गुटारेस। और रसगुल्लो कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं एंटोनिया गुटारेस। इससे पहले कौन थे? आठवें नंबर के थे बान की मून। कौन थे? बान की मून जो है ये आठवें नंबर के थे। यूएनओ के कितने अंग हैं? लिख लो, यूएनओ के मेरे दोस्तों टोटल अंग हैं 6। कितने अंग हैं? 6 यूएनओ के अंग हैं। सारी बातें ध्यान रख लेना, सीधा पेपर में छपने वाली है क्या। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे स्वराज पार्टी, अरे मैंने तुमसे कहा था ना जब क्लास शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। तुम तो बस दोस्तों, जब तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया ना, तो एक बार मेरे संग मेहनत करके देख लो, हमारी मेहनत खराब नहीं होगी अगर तुमने मेरा साथ दिया क्या, तुमने मेरा साथ दिया। देखो आसियान की बात करो, आसियान में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। स्थापना कब होती है? 1967 में। और मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता के अंदर इसका मुख्यालय। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों बेवफा होकर कौन गया था? अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 मेरे दोस्तों, टोटल मेंबर है कितने? 68 मेंबर है। मनीला के अंदर मुख्यालय है और इसके हेड कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड है आसाकावा। कौन है? आसाकावा। और माय डियर रसगुल्ला, उपाध्यक्ष कौन है? लिख लो, अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा उपाध्यक्ष है। WHO अलग से नोट करो, WHO 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है किसकी? धोखेबाज WHO की। जनेवा में क्या है इसका? जनेवा में इसका मुख्यालय है और डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसकी कार्यकारी बॉडी में कौन है दोस्तों? यह है भारत के हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन इसकी कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष है। SCO अगर तुमसे पूछ ले SCO में कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर है क्या? 8 मेंबर हैं SCO के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इस बार ही शामिल किया है कहां पर? SCO के अंदर। यह सबसे महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, विश्व का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय गठबंधन जिसका मुख्यालय भारत में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम हरियाणा। लिखो, अरे दूध खाट की नगरी वालों, गुरुग्राम हरियाणा जो है यहां पर स्थित है मेरे दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पेरिस समझौते में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? पेरिस समझौते में इसकी स्थापना की गई थी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गुरुग्राम हरियाणा, पेरिस समझौते में इसकी स्थापना हुई थी। अरे चुपचाप पढ़ना क्या, कोई हल्ला नहीं करेगा, चुपचाप पढ़िए मेरे दोस्तों। बिल्कुल, इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं अगर तुम्हारी किस्मत थोड़ी बहुत भी तुम्हारे साथ हुई ना, तो मेरे दोस्तों पेपर पास हो जाएगा क्या, पेपर पास हो जाएगा। ये लीजिए,
ये आ गया रसगुल्लो, तुम्हारा फेवरेट। क्या तुम्हारा फेवरेट? बाबू सोना। कौन है? बाबू सोना आ चुका है। अब ये तुम्हें ग्रंथियां पढ़ाएगा। क्या तुम्हें पढ़ाने वाला है दोस्तों? ग्रंथियां। कितने हैं भाई साहब बताओ? रसगुल्लो क्या बात है, मतलब मेहनत तो तुम कर सकते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ मेहनत करे ना तो तुम मेहनत कर सकते हो। आ जाओ रसगुल्लो, सबसे पहले हड्डियां तोड़ते हैं। क्या इसकी हड्डियां तोड़ते हैं? बाबू सोना की। देखिए अगर तुमसे पूछ ले इसके कान में कौन सी हड्डी है, स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज जो हड्डी है वो इसके कान के अंदर है। कहां पर? कान के अंदर। और मेरे दोस्तों ये जो तुम्हारे नहीं है मेरे दिख रही है ना ब्यूटी बोन, ये है क्लेविकल बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन। तो लिख लो दोस्तों, क्लेविकल बोन आपसे पूछ सकता है, क्लेविकल बोन या फिर इसे कहते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन कहते हैं या फिर इसे कॉलर बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन भी कहते हैं। टोटल हड्डी कितनी होती है तोड़ने से पहले? 206। क्या? हाँ, तोड़ने से पहले कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी कहां है दोस्तों? ये होती है जांग के अंदर। कहां पर? जांग के अंदर होती है सबसे लंबी फीमर। कौन सी है? फीमर जो है ये है मेरे दोस्तों जांग के अंदर। ये जो आपका जबड़ा है भाई साहब जो टूटता है सुबह सुबह, मैंडिबल। कौन सा? मैंडिबल। लिखना जबड़े में कौन सी हड्डी है? जबड़े में हड्डी होती है मैंडिबल हड्डी। कौन सी रसगुल्लो? मैंडिबल जो है ये होती है जबड़े के अंदर। तो लिख लो जबड़े में मैंडिबल। और दोस्तों कॉलर बोन, क्लेविकल बोन। अगर पूछे कान में, स्टेपीज। जांग में कौन सी होती है? फीमर बोन होती है जांग के अंदर। अब पढ़ते हैं ग्रंथियां। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए अगर तुमसे पूछ ले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में तो देखिए रसगुल्लो, सबसे पहली बात एक ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी है और भाई साहब बहिर्स्रावी है, अग्नाशय ग्रंथि। लिखना इसको अलग से नोट करो। क्या यहां पर लिखो अग्नाशय ग्रंथि, ये है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी है? मिक्स लैंड है मेरे दोस्तों। ये अंतःस्रावी भी है और ये बहिर्स्रावी भी है। क्या है? बहिर्स्रावी। और अग्नाशय ग्रंथि से ही कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ये लिख लो इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से और रसगुल्ला खाने से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन सा? मधुमेह रोग होता है। तो लिख लो डायबिटीज जो है रसगुल्लो ये होती है इंसुलिन की कमी से। क्या? इंसुलिन की कमी से होता है रसगुल्लो डायबिटीज। क्या? डायबिटीज होता है। अब सुनना अगला क्वेश्चन। चलिए भाई साहब ये तो मिश्रित ग्रंथि हो गई। क्या? मिश्रित हो गई। अब हम बात करते हैं अन्य ग्रंथियों की, जो तुम्हारी खोपड़ी में होती है ना मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या? पीयूष ग्रंथि। लिखना खोपड़ी में कौन सी है? खोपड़ी में भाई साहब होती है, मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि भी क्या है मेरे दोस्तों? सबसे छोटी मटर के दानों के समान। किसके? मटर के दानों के समान। और अगर पूछ ले मास्टर ग्लैंड कौन सी है तो मास्टर ग्लैंड होती है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है? मास्टर ग्लैंड। और माय डियर रसगुल्ला इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ये निकलता है वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन जो है ये निकलता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि से। किससे? पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, इसको हटा दूं क्या? इसको हटा दूं दोस्तों तब मजा आएगा इसको पढ़ाने में। क्या? इसको पढ़ाने में तब मजा आएगा। देखिए इसके बाद में अगर आपसे पूछेगा इसके अंदर, देखिए ये तो हो गई पीयूष ग्रंथि। पीयूष के पास में दोस्तों बच्चों के अंदर होती है। क्या? बच्चों के अंदर होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि जो है ये बच्चों में होती है। मेरे अंदर नहीं है मेरे दोस्तों, तुम्हारे अंदर है। क्या? तुम्हारे अंदर है। बच्चों में होती है कौन सी? पीनियल ग्रंथि। कौन सी होती है?
पीनियल ग्रंथि, और लिख लेना इसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या? बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब कि इसे कहते हैं दोस्तों जैविक घड़ी। क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। देखिए अगर आप डेली रात को दोस्तों क्या करते हो, डेली रात को चैटिंग करते हो, मान लेते हैं डेली रात को आप बातचीत करते हो, और एक दिन तुम दोस्तों बातचीत नहीं करो और सोने की कोशिश करो, क्या सोने की कोशिश करो, तो रसगुल्ला उस दिन नींद नहीं आएगी। क्या? नींद नहीं आएगी, क्योंकि पीनियल ग्रंथि ने पहले ही सेट कर लिया था कि एक खाली आदमी है और रात को बात करने के बाद लेट सोएगा। तुम पहले सोगे, पीनियल ग्रंथि ने कह दिया हमसे ना हो पाएगा। क्या? हमसे ना हो पाएगा, तो इसीलिए कहते हैं इसको जैविक घड़ी। क्या? जैविक घड़ी। आगे देखिए मेरे दोस्तों, इसी के पास में यहीं पर होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी? हाइपोथैलेमस। इसको नोट कर लेना मेरे दोस्तों, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ना, इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या? मास्टर ऑफ मास्टर जो ग्लैंड है यह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्यार व्यार वाली जो ग्रंथि है ना, वो यही वाली है। क्या? प्यार व्यार वाली जो है ना, ये मेरे दोस्तों प्यार व्यार इमोशन जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर है। फिर देखो इस गले में होती है मेरे दोस्तों कौन सी? थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि मेरे दोस्तों इस गले में होती है, और लिख लेना थायराइड ग्रंथि से ही हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और अगर आयोडीन की कमी हो गई मेरे रसगुल्लो, तो कौन सा रोग होगा? घेंगा रोग होगा। कौन सा? घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से, जिसे गलगंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलगंड रोग भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है, गलगंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में होती है। कहां पर? गले में होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, तुम्हारे जो हर्ट है ना, इसके जस्ट सामने कौन सी है? इसके जस्ट सामने होती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले किडनी के ऊपर कौन सी होती है, किडनी के ऊपर होती है रसगुल्लो एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल जो ग्रंथि है ना, ये नोट करना, एड्रिनल ग्रंथि मेरे दोस्तों किडनी के ऊपर होती है। क्या नाम है इसका? एड्रिनल। ये तुम्हारे बहुत काम की है। क्या? बहुत काम की है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि। जब शेर तुम्हारे सामने हो, या तो शेर से क्या करो, शेर से मुकाबला करो या भाग जाओ, फाइट एंड फ्लाइट दोस्तों, ये होती है एड्रिनल ग्रंथि। क्या होती है? फाइट एंड फ्लाइट। क्या? फाइट एंड फ्लाइट। और जीवन रक्षक दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है? जीवन रक्षक हार्मोन दोस्तों ये एड्रिनल ग्रंथि निकालती है। ये सभी ध्यान रखना, ये कितना बढ़िया बाबू सोना का पोस्टमार्टम हुआ है। क्या? बाबू सोना का दोस्तों क्या गजब का पोस्टमार्टम हुआ है। सभी पॉइंट लिख लेना, छाप लेना, इंपोर्टेंट है, पेपर में आते हैं दोस्तों, इसलिए तुम्हें पढ़ा दिए। अगला देखो, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। क्या? महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। लिख लो, नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? वो थी पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार। कौन सा है? भूमि सुधार से संबंधित है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में मेरे दोस्तों 12 अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची। 42वां संविधान संशोधन लिख लो, इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर तुमसे पूछ ले सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या कहते हैं दोस्तों? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी कहते हैं। इसी के द्वारा प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए। क्या? प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसी के द्वारा हुआ है। तो लिख लो, प्रस्तावना में दोस्तों संशोधन जो है, क्या? प्रस्तावना में संशोधन जो है ये रसगुल्लो इसी के द्वारा किया गया, और इसी के द्वारा पंथ निरपेक्षता। क्या? पंथ निरपेक्षता, और साथ में मेरे दोस्तों अखंडता। क्या? अखंडता, समाजवाद, ये शब्द किससे जोड़े गए? ये मेरे दोस्तों
इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसके साथ में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े, क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो प्रस्तावना में जो संशोधन है ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। कहा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर तुमसे पूछ ले सर बाबू सोना कतई जहर लग रहा था क्या, कतई जहर, हां भाई साहब, अगर अब कोई तुमसे कुछ भी कहे ना मेरे दोस्तों उसको ये वाला फोटो बना के भेज देना, क्या फोटो बना के भेज देना कि कल तेरा पोस्टमार्टम करेंगे क्या झोला छाप डॉक्टर। पेपर के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कौन है तो लिखो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लिख लो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में होता है और इसी के द्वारा दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्या ध्यान रखना, संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे कहां पर जोड़ा गया, 301 के अंदर। इसे अलग पेन से लिख रहा हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो अनुच्छेद 300A में स्थित है। कहां पर, अनुच्छेद 300A में, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। फिर देखिए 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। रसगुल्ला सीधा सवाल पूछता है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से कर दी, वो था 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं आगे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है लिख लेना, अगर पूछे कब हुआ, 1989 में होता है दोस्तों। वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से 18 किसके द्वारा की गई, 61 के द्वारा। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों 1985, संविधान की अनुसूची नंबर 10 और 10 बहाने करके ले गया दिल, दोस्तों दल बदल कर गया, क्या कर गया, दिल लेकर दल बदल कर गया। तो 52वां संविधान संशोधन 1985, रसगुल्लो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और ध्यान रखना दल बदल एंटी डिफेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले ही बता दिया सन 2002 में होता है मेरे दोस्तों और इसी के द्वारा शिक्षा संबंधी जो अधिकार है इसको जोड़ा गया। इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों 1992 का, और अगर आपसे ये पूछ ले ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, अनुसूची कौन सी है, अनुसूची नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे 101वां संविधान संशोधन, लिख लो जीएसटी का कन्यादान है 101वां संविधान संशोधन, और जीएसटी की बात करो 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है, असम पहला राज्य है जहां पर इसको लागू किया गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों जीएसटी अगर आपसे पूछे किस सूची का विषय है तो लिख लेना समवर्ती सूची पर टैक्स है कौन सा, जीएसटी। ग्राम पंचायत का गठन किस संविधान अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 40 के अंदर, क्या अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन पूछेगा अनुच्छेद 40 में। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, कितने संविधान संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं, 104, कितने हो चुके हैं, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। अगर पूछ ले आपसे कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 368 संविधान संशोधन के लिए 368वां अनुच्छेद है, कौन सा, 368वां अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं, पानीपत का युद्ध, इसे भी नोट कर लो, मैं तो हर पेपर में देखता हूं क्या, पानीपत के तीनों युद्ध मेरे दोस्तों हर पेपर में देख लेता हूं। देखिए अगर पूछ ले आपसे पानीपत का युद्ध कितने है भाई साहब, रसगुल्ले कितने सामने,
राजूरी टीम दिखाओ, आराम से सो रही है राजूरी टीम, क्या आराम से सो रही है मेरे दोस्तों। आधा घंटे और मैं आपके साथ रहूंगा, क्या आधा घंटे और साथ रहूंगा, उस आधा घंटे में जितना पढ़ा पाऊंगा उतना पढ़ा दूंगा मेरे दोस्तों, बाकी जो बचा हुआ है वो आपको फिर दोबारा ऐसी ही क्लास में फिर दोबारा लेकर आऊंगा। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो क्लास तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। सर मजा आएगा क्या? हाँ अब आएगा मजा, बराबर का मुकाबला होगा, किससे? परीक्षा से बराबर का मुकाबला होगा। पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध हुआ 1526 के अंदर, बाबर और इब्राहिम लोदी के अंदर दोस्तों पहला युद्ध होता है, बाबर इस युद्ध को जीत गया। दूसरा हुआ 1556 में, ये बैरम खान अकबर की तरफ से और हैमू दोस्तों इन दोनों के बीच में हुआ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, लिख लो, क्योंकि इसी के ऊपर हाल ही में पानीपत मूवी बनाई गई दोस्तों। तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत हरियाणा में हुआ। कहां? पानीपत हरियाणा में। मराठा गोरिल्ला युद्ध के जानकार थे, छुपकर युद्ध करने में माहिर थे, कौन? मराठा। इसे कहते हैं गोरिल्ला युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? गोरिल्ला युद्ध। छुपकर युद्ध करने में सबसे बड़ी गलती यही थी कि ये कहां पर? पानीपत के मैदान में युद्ध करने चले गए। कहां? पानीपत के खुले मैदान में युद्ध करने चले गए और किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। मराठा दोस्तों भारत पर सत्ता कर सकते थे, भारत पर अधिकार कर सकते थे, पूरे भारत पर, लेकिन इस युद्ध ने तय कर दिया कि मराठा अगले उत्तराधिकारी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में तीसरा युद्ध होता है पानीपत का 1761 के अंदर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है मेरे दोस्तों, पेपर में आता है बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट लिख लो। क्या लिख लो? ये तुम्हारा क्या है दोस्तों? अरे तुम्हारी जान है, एक नंबर है। क्या? एक नंबर है मेरे दोस्तों टेनिस के टूर्नामेंट। और ये अफवाह है। क्या है? ये है AFWA। मैंने हर पेपर में इसमें से एक ना एक सवाल हर बार देखा है, फिर देखूंगा आगे, और मैं 5 बार 10 बार तुम्हारे सामने इसको लिख चुका हूं, लेकिन फिर भी कभी नहीं थका मेरे दोस्तों। हर बार जब भी एक क्वेश्चन आया है मैंने हर बार इसका आंसर लिखा है, पर तुम बेशरम हो, तुम एक बार लिख के छोड़ देते हो और फिर कहते हो सर याद नहीं होता। क्या याद नहीं होता? अरे रसगुल्ला लड्डू थोड़ी है सरकारी जॉब। क्या लड्डू नहीं है भाई साहब, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत कर सको तो यहां पर टिके रहना। क्या टिके रहना? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल किसने जीता? ये जीता मेरे दोस्तों नोवाक जोकोविक। किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने मेल का खिताब जीत लिया। और फीमेल का खिताब रसगुल्लो ये लिखना सोफिया कैनिन। किसने जीता है? सोफिया कैनिन ने फीमेल का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन मेल किसने जीता? राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। और दोस्तों फीमेल किसने जीता है ये लिख लेना आप, ईगा वोस्टेक। किसने जीता दोस्तों? ईगा वोस्टेक जो है पोलैंड की खिलाड़ी। कहां की है? पोलैंड की खिलाड़ी है। इसने जीता है फीमेल का खिताब। विंबलडन अब की बार नहीं हुआ, और लिख लेना दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार विंबलडन का आयोजन नहीं हुआ। वैसे इसका आयोजन इंग्लैंड के अंदर होता है। अमेरिकन ओपन मेल किसने जीता? तो लिख लो मेरे दोस्तों ये जीता है डोमिनिक थियम ने। किसने? डोमिनिक थियम ने जीता है अमेरिकन ओपन। और फीमेल कौन थी? ये थी नाओमी ओशाका। कौन थी? नाओमी ओशाका। ये मेरे दोस्तों अमेरिकन ओपन जीतने वाली फीमेल थी। सारे के सारे फिर तुम्हारे सामने एक बार फिर लिख दिए, जिससे तुम्हारे दिल के अंदर ये बात बैठ जाए कि मेहनत करने से ही क्या मिलेगी दोस्तों? मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या मेहनत का कोई विकल्प नहीं है? और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं है। हार को जीत से दूर रखना मेरे लाडलो। क्या? हार को जीत से दूर रखना मेरे लाडलो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं है। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोको
जोकोविक सोफिया कैनिन। अगर आपसे पूछ ले फ्रेंच ओपन मेरे दोस्तों, तो फ्रेंच लिख लेना राफेल नडाल और ईगा स्वायटेक। कौन? ईगा स्वायटेक, पूरा नाम लिख देता हूं ईगा स्वायटेक। और अगर पूछ ले विंबलडन कोई नहीं जीता, अमेरिकन ओपन डोमिनिक थियम और नाओमी ओसाका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑस्कर अवार्ड। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। देखिए ऑस्कर जो अवार्ड था ये 92 नंबर का है। कौन सा? 92। और जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे दोस्तों। ये जो लिख रहा हूं भानु अथैया, भूपेंद्र की तबीयत कैसी है? सुबह ही भूपेंद्र का मैसेज आया। क्या सुबह मैसेज आया मेरे दोस्तों भूपेंद्र का? और उस मैसेज में पता है क्या लिखा हुआ था? सर मैं जल्दी तुम्हारी क्लास अटेंड करूंगा। क्या? जल्दी तुम्हारी क्लास अटेंड करूंगा, अपने परिवार को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। क्या? अपने परिवार को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना, जो इतना साथ अपने परिवार ने दिया। तो मैंने कहा जब परिवार मानते हो ना, तो ये थैंक यू शब्द जो है इसका उपयोग मत करो। क्या? इसका उपयोग मत करो, अपना परिवार है ये सुन के ही दिल खुश हो जाएगा। अब देखिए फिल्म कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट। कौन सी है? पैरासाइट फिल्म है, ये साउथ कोरिया की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? जोकिन फिनिक्स। कौन है? जोकिन फिनिक्स जो है ये सर्वश्रेष्ठ एक्टर है। फिल्म का नाम है जोकर। क्या नाम है? जोकर। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन है? सर्वश्रेष्ठ जो एक्ट्रेस है मेरे दोस्तों, ये छापना, ये है रैनी जिवलेगर। कौन है? रैनी जिवलेगर, ये सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस है। और मेरे दोस्तों फिल्म का नाम है जूडी फिल्म। कौन सी है? जूडी फिल्म। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भानु अथैया पहली भारतीय महिला जिसको मेरे दोस्तों क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला, वो थी भानु अथैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्या? निधन हो गया। कौन सी फिल्म? तो गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। किसके लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ये दोस्तों अवार्ड मिला। कौन सा? इस अवार्ड का नाम है ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया। कौन सा? भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड, पहली महिला भारतीय जिसको ये अवार्ड मिला, हाल ही में इनका निधन हो गया, गांधी फिल्म के लिए दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कहां पर हुआ था? ये हुआ था रूस के अंदर। कहां हुआ था? रूस के अंदर। जीता कौन मेरे दोस्तों? विजेता था इसका फ्रांस। कौन था? फ्रांस इसका विजेता। सन 2022 में कहां होगा? ये होगा कतर दोहा में। कहां पर होगा? कतर दोहा में 2022 में होगा। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? इनफेंटिनो, ये फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन? इनफेंटिनो। तो ये फीफा के बारे में था अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर देखिए आईपीएल। हाँ भाई साहब, ये आईपीएल जो है ना, ये नंबर दिलाएगा। क्या? आईपीएल पक्का मेरे दोस्तों नंबर दिलवाने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग, मनोरंजन का बाप मेरे दोस्तों आईपीएल। अब लिखना रसगुल्लो। हाँ देखिए, अगर पूछ ले आईपीएल के बारे में पहला क्वेश्चन क्या है, तो लिखना मेरे दोस्तों कौन सा सीजन था? 13वां सीजन। कौन सा? 13वां सीजन था आईपीएल का। फिर पूछे कहां पर हुआ? ये हुआ संयुक्त अरब अमीरात। कहां हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। सारे क्वेश्चन लिखा रहा हूं जितने भी बन सकते हैं आईपीएल से, तुम तो मेरे दोस्तों छाप लो। क्या? तुम इधर उधर की बातों में मत आओ, तुम तो छापते जाओ। डिसलाइक करने वाले कौन है? उनकी आत्मा दोस्तों, भटकती हुई आत्मा है, उन पर पानी डालो और जुड़ो मेरे साथ में। देखिए संयुक्त अरब अमीरात आईपीएल। अगर पूछे जीता कौन? जीता मेरे दोस्तों मुंबई इंडियंस। कौन जीता? मुंबई इंडियंस। अगर आपसे पूछ ले कप्तान कौन थे? ये थे मेरे दोस्तों रोहित शर्मा। कौन थे? रोहित शर्मा कप्तान थे मुंबई इंडियंस के। अगर पूछे सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? सर्वाधिक रन मेरे दोस्तों ये बनाए केएल राहुल ने। किसने? केएल राहुल ने सबसे अधिक रन बनाए। और सबसे अधिक विकेट किसने लिए मेरे दोस्तों? ये लिए रबाडा। किसने लिए? रबाडा। अब देखो एक कैप का नाम है ऑरेंज कैप, एक का नाम है पर्पल कैप। कौन सी?
पर्पल कैप। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होता है कि ऑरेंज कैप कौन सी है, पर्पल कैप कौन सी है। तो माई डियर रसगुल्ला, हर कंफ्यूजन का इलाज कौन करेगा, झोला छाप डॉक्टर। सुनना मेरी बात, ये रबाड़ा दोस्तों रबड़ी होती, अगर ये रबड़ी होती ना तो भारत की होती, पर ये रबाड़ा है ये भारत का नहीं है। क्या भारत का नहीं है दोस्तों, ये परदेश से आया है। कहां से? हाँ मेरे पिया गए परदेश मेरे दोस्तों। परदेश से कौन आया है? परदेश से आया है रबाड़ा। मतलब इसके पास कौन सी कैप होगी, पर से बन गई पर्पल कैप। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो पर्पल जो कैप है ये होगी रबाड़ा। किसके पास होगी? रबाड़ा के पास में होगी। रबाड़ा मेरे दोस्तों भारत का नहीं है, परदेश से आया है। कहां से? परदेश से आया है, पर्पल कैप लेकर आया है। कौन सी? पर्पल कैप। ऑरेंज दोस्तों, संतरा कहां का है? अरे संतरा तो भाई साहब भारत का है। कहां का? जो संतरा है ये तो लिख लो, ऑरेंज कैप जो है ये मेरे रसगुल्लो किसको मिली है? ये मिली है केएल राहुल। किसको? केएल राहुल को ऑरेंज कैप दी गई है। संतरा कौन खाएगा दोस्तों? राहुल खाएगा। और परदेश से कौन आया है? रवाड़ा परदेश से आया है। अगर आपसे एक सवाल और पूछ ले मेरे दोस्तों यहीं पर, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला, ये अलग से छाप लेना, नया क्वेश्चन है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर लिखिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? जोफर आर्चर। किसको दोस्तों? जोफर जो आर्चर है, जोफ्रा आर्चर जो है, इनको दिया गया है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो ये भी ध्यान रखना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोफर आर्चर दोस्तों। और साथ में आईपीएल की सारी जानकारी तुम्हारे सामने, पहला सीजन किसने जीता, पहला सीजन मेरे दोस्तों नोट कर लेना, राजस्थान रॉयल्स ने जीता। किसने? राजस्थान। मारो राजस्थान वालों, एक बार जीत गए हो फिर कह रहा है अब जरूरत नहीं है। क्या अब जरूरत नहीं है? एक बार मारो राजस्थान जीता है भाई साहब, पहली बार। क्या? पहली बार आईपीएल। अगला क्वेश्चन, किस कौन इसका स्पॉन्सर था, लिख लो, ड्रीम इलेवन इसका स्पॉन्सर था। कौन था? ड्रीम इलेवन आईपीएल का स्पॉन्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल, सच सच बताना भाई साहब, रबी की जो फसल है इसकी ट्रिक क्या है, लिखना रसगुल्लो। रबी की फसल की ट्रिक है मेरे दोस्तों, नाई हूटर बजते ही, क्या नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, क्या नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। क्या लाया? आलू लाया। अब देखो, ना से बन गया चना गरम, क्या चना गरम दोस्तों, चना। ई से बन गया राई, क्या बन गया? राई। हु से बन गया गेहूं, क्या बन गया? गेहूं। टर से बन गया मटर, क्या बना? मटर। और दोस्तों जो से बना जो, क्या बना? जो बना। सह से बना सरसों, क्या बन गया? सरसों। और आलू मेरे दोस्तों, आलू हो गया। तो रबी की फसल जो है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। क्या लाया? नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। रबी की जो फसल है, छाप के रखना भाई साहब, रबी की जो फसल है मेरे लाडलो, ये होली के आसपास इसकी होती है कटाई। क्या होती है? होली के आसपास इसकी होती है कटाई। तुमसे अगर पूछ ले मानसून में कौन सी फसल है, खरीफ की फसल, लिख लेना इस क्वेश्चन को, जो मानसून होता है मेरे दोस्तों, इसमें कौन सी फसल है, ये है खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ। अब पूछोगे खरीफ की कौन सी है, इनके अलावा खरीफ है। क्या है दोस्तों? इनके अलावा जो है ना, वो कौन सी फसल होती है, खरीफ की होती है। कपास है मेरे दोस्तों, गन्ना है, चावल है, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल। सीधा पेपर में पूछता है, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है, तो रसगुल्लो ये इसका आंसर है। तीन आएंगे ऑप्शन में, तुम लगा देना चौथे के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, देखिए HDI इंडेक्स, दो इंडेक्स अति महत्वपूर्ण है, एक तो है HDI। कौन सा है? HDI। एक है मेरे दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कौन सा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए HDI जो इंडेक्स है, ये UNDP ने इसको जारी किया। क्या कहते हो? अगर ऐसी दोस्तों क्लास, क्या ऐसी क्लास
पांच सात दस हो जाए क्या? सोच कर देखो, ऐसी क्लास दो चार पांच हो जाए तो भाई साहब क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। क्या उद्धार हो जाएगा तुम सभी का? मतलब मैं खुद नहीं सोच रहा था मेरे दोस्तों कि मैं इतना मैटर तुमको पढ़ा दूंगा। क्या इतना मैटर पढ़ा दूंगा? मैंने सोचा 15-20 स्लाइड तुम्हें पढ़ा पाऊंगा, लेकिन रसगुल्लो 35 नंबर है। कौन सा है? 35 नंबर है जो तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। और देखिए स्टैटिक जीके मैंने ज्यादा कोशिश की है तुम्हें पढ़ाने की, जिससे वो वाला पोर्शन तुम्हारा कमजोर ना हो। करंट अफेयर्स तो मैं सुबह पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा दोस्तों 6 बजे। फिर तुमसे एक निवेदन है, उस क्लास को मत छोड़ना जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन रजाई ओढ़ के सो जाना। क्या सो जाना मेरे दोस्तों? पर सिलेक्शन तक मत छोड़ना मेरा साथ। क्या मेरा साथ मत छोड़ना, तुम्हें पक्का मंजिल तक छोड़ कर आऊंगा। क्या मंजिल तक तुम्हें पहुंचा कर आऊंगा। HDI इंडेक्स UNDP जारी करता है, 1990 से इसे जारी किया गया था। छाप के रखना, तीन इसके क्या है? तीन इसके आधार है मेरे दोस्तों। एक तो है जीवन प्रत्याशा। क्या है? जीवन प्रत्याशा। एक है साक्षरता। क्या साक्षरता मेरे दोस्तों? और एक नोट कर लेना, एक है रसगुल्लो, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, और दोस्तों साथ में प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगर पूछ ले आपसे HDI 2019 में कौन सी रैंक थी, 129। और दोस्तों जो अभी हाल ही में आया है 2020, इसमें रैंक है 131। पहली रैंक पर कौन था? पहली रैंक पर पहले भी नार्वे था। कौन था? नार्वे मेरे दोस्तों, पहली ही रैंक पर है। तो छाप लो, पहली रैंक पर नार्वे, 2019 में 129, 2020 में 131। सर पहली बार आपकी लाइव क्लास देख रहा हूं। क्या लाइव क्लास देख रहा हूं? तो रसगुल्ले एक बात ध्यान रखना, दो चार पांच दिन मेरे साथ जुड़। क्या दो चार पांच दिन मेरे साथ जुड़ ले, उसके बाद में तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर मैं आप पर विश्वास करूं या नहीं करूं। क्या हाँ मेरे दोस्तों, ये तेरा परिवार है आज से, अब तू इस परिवार का मेंबर बन गया। देख लो, कारोबारी सुगमता सूचकांक। अगर पूछे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए अगर पूछ ले कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, कितने आधार होते हैं? 10 इसके आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रसगुल्लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सन 2020 में कौन सी रैंक है? 63 रैंक है। इससे पहले वाले में सन 2019 में 77 रैंक थी। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड जो है पहले स्थान पर है। HDI इंडेक्स बनाने में किसकी भूमिका थी? लिख लो, लिख लेना, महबूब उल हक। क्या हाँ दोस्तों, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। किसकी भूमिका थी? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन की भूमिका थी मेरे दोस्तों HDI इंडेक्स बनाने में। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इन तीनों पुस्तकों के नाम। और कमाल की बात है, राजूरी टीम ने तीनों पुस्तकों के नाम गलत लिखे हैं। क्या गलत लिखे हैं मेरे दोस्तों? तीनों पुस्तकों के नाम। ये भी अपने आप में कला है। क्या अपने आप में दोस्तों सब कुछ गलत लिखना, ये भी भाई साहब अपने आप में एक कला होती है जो राजूरी टीम के पास में है। तो मेरे दोस्तों कादंबरी, पहली पुस्तक कौन सी है? कादंबरी, जो किसकी है? बाण भट्ट। किसकी है? बाण भट्ट की है। और ये किसके कार्यकाल में थे? हर्षवर्धन के कार्यकाल में थे। दूसरी दोस्तों राज तरंगनी, कौन सी है? राज तरंगनी। और याद रखना राज तरंगनी जो पुस्तक है कलहण की पुस्तक है। किसकी? कलहण की। और इसमें किसके बारे में? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगली पुस्तक है मृच्छकटिकम। कौन सी है? मृच्छकटिकम। और ये किसकी पुस्तक है? शूद्रक की पुस्तक है। किसकी? शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम। और एक ध्यान रखना, शकुंतला मेरे दोस्तों ये कालिदास की है। क्या हाँ, शकुंतला किसकी है? शकुंतला मेरे दोस्तों कालिदास। किसकी है? कालिदास की है शकुंतला। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, जितने भी तुमको पढ़ा दिए, मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैं अभी तुम्हें और पढ़ाऊं। क्या और पढ़ाऊं? एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं। क्या अगला देखिए,
हाँ, झंडू बाम सीरीज। कौन सी सीरीज है ये? है दोस्तों, याद करो, झंडू बाम सीरीज। आइए, झंडू बाम सीरीज, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था मेरे दोस्तों? झंडू बाम क्लाइव। कौन था? क्लाइव जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर था। कौन था? पहला गवर्नर। प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ था? प्लासी का युद्ध मेरे दोस्तों इसी क्लाइव के समय होता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये नोट करना रसगुल्लो, पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो नोट कीजिए, ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया द्वैध शासन को। और अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? रेगुलेटिंग जो एक्ट है मेरे दोस्तों 1773, किसका? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये किसके दो समय आया था? हेस्टिंग्स के समय आया था। पहला क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम। मेरे दोस्तों बहुत सारी पुस्तक है, क्या होने को तो बहुत सारे नाटक, बहुत सारी पुस्तक हैं। वो तीन आई थी पेपर में, इसलिए मैंने तीनों पढ़ा दी। कादंबरी पेपर में आ चुकी है, मृच्छकटिकम आ चुकी है और रास तरंगिणी आ चुकी है, इसीलिए पढ़ाई थी। देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल ये था भाई साहब झंडू बाम विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। और अगर आपसे पूछ ले जो विलियम बेंटिक है दोस्तों, सती प्रथा 1829 में किसके समय समाप्त होती है? तो सती प्रथा का जो अंत है विलियम बेंटिक के समय हुआ। और किसमें? राजा राम मोहन राय ने दोस्तों इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। भारत का पहला वायसराय, ध्यान रखना, यह था भाई साहब कैनिंग। कौन था? कैनिंग जो है यह भारत का पहला वायसराय था 1857 की क्रांति। मेरे दोस्तों डलहौजी के पाप, क्या पाप तो थे डलहौजी के, भुगता किसने? भुगता मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने भुगता। 1857 की क्रांति, कैनिंग के समय मेरे दोस्तों भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। कौन? कैनिंग। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव रसगुल्लो। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय कैनिंग। कौन था? कैनिंग। एक सवाल छूट गया, उसे भी बता दूं मेरे दोस्तों। विलियम बेंटिक के समय ही क्या? विलियम बेंटिक के समय ही दोस्तों मेकाले को विधि आयोग पहला दोस्तों जो अध्यक्ष है, एक कह रहा सर 9 बज गए, क्या 9 बज गए? खुद को खाना खाना होगा इसलिए कमेंट कर रहा है सर 9 बज गए, छोड़ दो, चुपचाप बैठा रहे, क्या चुपचाप बैठा रहे? ध्यान रखना, विलियम बेंटिक के समय ही मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, पहला विधि आयोग, क्या पहला विधि आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मेकाले इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? मेकाले इसके अध्यक्ष थे पहले विधि आयोग के। अब आते हैं रसगुल्लो, आइए मेरे साथ में देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट छूट गए, क्या कुछ पॉइंट छूट गए। मैं फिर आऊंगा आपके साथ में, फिर संघर्ष करूंगा तुम्हारे साथ में। बस तुम मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, इस बात को, तुम जितना परिवार को बड़ा करोगे ना, उतनी ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी, क्या बढ़ जाएंगी। कोई रसगुल्ला मुझसे कह रहा था, सर जब आप शुरू में आए थे तब आप बिल्कुल पतले से थे और बड़ा कॉन्फिडेंस कमजोर था, अब तो शेर की तरह दहाड़ते हो। परिवार भी तो किसका है? परिवार भी तो शेरों का है दोस्तों, फूल पत्ती वालों का है। सबसे बड़ा परिवार लेकर बैठे हैं तो भाई साहब मेहनत भी जमकर करनी पड़ेगी। इसी मेहनत को दिखाने के लिए कल तुम्हारे सामने नई जंग लेकर आऊंगा, क्या ये नई जंग होगी जो फिर पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए होगी। तो कल सुबह 6 बजे सभी को इस नई जंग में आना है। सुबह की क्लास सुबह लेनी है दोस्तों, ये आप प्रण कर लो, क्या एक बार मेरे कहने पर प्रण कर लो। फिर देखना, जब दिन की शुरुआत बेहतर होगी ना तो दिन का अंत बेहतर होगा, क्या दिन का अंत बेहतर होगा। दिन की शुरुआत में फूल पत्ती वाली क्लास को औरों के जगने से पहले निपटा दो,
औरों से आप अपने आप ही आगे हो जाओगे। क्या? औरों से आप अपने आप आगे हो जाओगे, ये आपसे वादा रहा मेरे दोस्तों। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा तुम सभी के साथ में। जो हमारे अवार्ड थे उन अवार्ड को पूरा कर लेंगे दोस्तों, और एक नई चीज जो कल सुबह ही बताऊंगा क्या नया होने वाला है। तो कल सुबह 6 बजे फिर इसी मंच पर इसी परिवार में आप सभी के साथ मिलूंगा मेरे दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि मेरा रसगुल्ला जो मेहनत कर सकता है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, वो मेरे साथ में आएगा जब मेरी टीम कोई छुट्टी नहीं बना रही। क्या? मेरी टीम जब कोई छुट्टी नहीं बना रही तो तुम्हें भी हक नहीं है। क्या? तुम्हें हक नहीं है छुट्टी बनाने का। जिस दिन मैं कहूं उस दिन छुट्टी होगी मेरे दोस्तों, और वो दिन होगा कौन सा? वो दिन होगा आपका सिलेक्शन। क्या? जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए उस दिन आराम करना दोस्तों, मजे करना, सोना, कुछ भी करना रसगुल्लो। सिलेक्शन से पहले तक मेरी जिम्मेदारी है, तब तक मेरे साथ में बने रहना। भावनाओं से चलने वाला परिवार है फूल पत्ती वाला, इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट भी करता हूं, ऑर्डर भी देता हूं, सुदर्शन चक्र भी मारता हूं, चप्पलें भी मारता हूं, पानी में डुबा डुबा के मारता हूं, लेकिन प्यार भी तो मेरी जान मैं ही करता हूं। क्या? तुम्हें प्यार कौन करता है? वो भी मैं ही करता हूं। तो भाई साहब डांट भी खानी पड़ेगी तो प्यार भी झेलना पड़ेगा, दोनों चीजें यहीं पर मिलेंगे। कल सुबह फिर आऊंगा 6 बजे मेरे दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, जिससे मेरी टीम को सोच कर देखो यार, छुट्टी वाले दिन 9 बजे तक केवल तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों मेरे साथ में इस जंग में शामिल हुए। क्या? इस जंग में शामिल हुए। ऐसी टीम दोस्तों किस्मत वालों को मिलती है, और जो इसकी कद्र नहीं समझते, क्या जो इसकी कद्र नहीं समझते ना, वो ताज के लायक नहीं है। क्या? वो ताज के लायक नहीं है। तो अंत में मेरे दोस्तों कल सुबह 6 बजे नई जंग में मिलूंगा, उसी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। बाकी बचा हुआ पोर्शन फिर पढ़ाऊंगा दोस्तों, दोबारा जब भी टाइम मिलेगा फिर तुम्हारे बीच में आऊंगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना, और मेरे परिवार के मेंबर, मेरे परिवार के सदस्यों, अपने माँ बाप का सम्मान करना, वही हमारी जान है। क्या? वही हमारी जान है। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना, देश की जान, देश के मान, देश का अभिमान हमारा घमंड है मेरे दोस्तों। क्या? हमारा घमंड है। लक्ष्य अपना अर्जुन के तीर सा रखना, और दोस्तों हौसला अपना सीमा पर खड़े वीर सा रखना। क्या? सीमा पर खड़े वीर सा रखना। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं तुम्हारे, कभी तुम इतना पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े ना, क्योंकि दोस्तों किसी ने परिवार समझ के नहीं पढ़ाया। क्या? किसी ने परिवार समझ के नहीं पढ़ाया। अब ये परिवार मिलकर पेपर की धज्जियां उड़ाएगा, और अंत में पेपर से कहूं या मंजिल से कहूं, बात तो एक ही है। क्या? बात तो एक ही है। पहले पड़ोसी से कहूंगा कि हमारी लड़ाई तो तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। क्या? लहरें ऐसे ही फुदक रही है। क्या? पड़ोसी ऐसे ही फुदक रहा है। हमारी लड़ाई तो आमने सामने की किससे है मेरे दोस्तों? हमारी लड़ाई तो किससे है? परीक्षा से। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे, मिलकर दिखाएंगे। क्या? कमेंट्स बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी, राजूरी टीम की मेहनत कैसी लगी दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन तुम्हारे लिए नई क्रांति लेकर आया है कौन? राजूरी टीम। सुबह 6 बजे इसी मंच पर मिलेंगे, फिक्स सुबह 6 बजे आना। क्या? कल से मैं सुबह 6 बजे स्टार्ट करूंगा क्लास, चाहे भाई साहब राजूरी टीम को उठा कर लाऊं, क्या घसीट कर लाऊं, सुबह 6 बजे क्लास स्टार्ट होगी। कल सुबह 6 बजे मैदान में आ जाना, जिसमें दम हो वो सुबह मैदान में आ जाए, हो जाए आमना सामना। क्या? हो जाए आमना सामना। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू, हंसते रहना, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।